जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि वो हो जाता है जिसकी आप ख्वाहिश नहीं रखते, जिसका आप तसव्वुर नहीं कर रहे होते, और उस एक लम्हे की वजह से आपकी जिंदगी बदल जाती है। ऐसे ही हुआ मुंबई से ताल्लुक रखने वाली श्याम भावी कपूर के साथ। 2016 की बात है, मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, वो मुझे इतना प्यार देते थे ताकि मैं वालदा को याद ना करूं, लेकिन मैं माँ तो माँ होती है। एक दिन बातों ही बातों में मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुम अपने पापा की दूसरी शादी करा दो ताकि तुम्हारी जिंदगी में दोबारा से एक माँ आ जाए। मैंने जब पापा से ये बात बोली तो उन्होंने इनकार कर दिया और थोड़ा डांट भी दिया। उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी वजह से पापा शादी नहीं कर रहे और परेशान रहते हैं। मुझे पता नहीं क्या हुआ कि सुबह होते ही बगैर पापा को कुछ कहे घर से निकल गई। अपने साथ फोन और 1000 रुपए रख लिए थे। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। पैसे मैंने इसलिए रखे कि जरूरत पड़ सकती है कुछ खाने वगैरह के लिए। जिंदगी में पहली दफा अकेले घर से बाहर निकल रही थी। हमेशा वालिद या वालदा के साथ बाहर जाती थी। सारा दिन एक लोकल ट्रेन में मुंबई से एक तरफ से दूसरी तरफ घूमती रही। उन दिनों मुंबई में बारिश हो रही थी। मैंने सोचा, मैं इतनी डिप्रेस हो चुकी थी कि मैंने सोचा कि मैं समंदर में जाके डूब के मर जाऊं। लेकिन बारिश की वजह से गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर्स वहां उड़ रहे थे, जो कि समंदर में अगर कोई डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए वहां पे मौजूद थे। मैं अब चलते चलते उस बारिश में कितना दूर चली गई मुझे नहीं मालूम। शाम हो गई, शाम से रात हो गई। रात होते ही मैं एक शिवाजी रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ गई। पता नहीं कितनी ट्रेनें आई गईं। रात के 1 बज गए थे। अब मुझे रोना आने लगा। पापा की याद आ रही थी, लेकिन डर लग रहा था कि घर गई तो बहुत डांट पड़ेगी। स्टेशन पे भी मौजूद लोग मुझे देखने लगे कि मैं अकेले वहां क्यों बैठी हूं और वापस क्यों नहीं जा रही। बाहर आके देखा तो और डर लगने लगा। बारिश हो रही थी, सड़कों पे ज्यादा क्राउड नहीं था। कुछ गलत तरह की लड़कियां घूम रही थी। लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं बहुत डर रही थी। तभी मुझे एक आवाज आई। देखा तो एक लड़का था। उसने मुझसे पूछा, आप इतनी रात को क्यों बाहर हैं? मैं घबरा रही थी। मैंने झूठ बोला कि मैं अपनी दोस्त के घर आई थी, देर हो गई। अपने इस झूठ को सोच के अब हंसी आती है। फिर उसने कहा कि देखिए ये जगह ठीक नहीं। वो बोला, मेरा एक दोस्त यहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं, अगर ठीक लगे तो चलो, यहाँ मत रुको। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगा मरना तो है ही। उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यकीन माने मिन्हाज, उस टाइम क्राइम पेट्रोल की सारी एपिसोड्स मेरे सामने चल रही थी। मुझे लगा अब ये मुझे कहीं लेके जाके बंद कर देगा और मेरे पापा से पैसे लेगा, लेकिन नहीं, वो सच में एक हॉस्पिटल था। उसमें मुझे पानी पीने को दिया, कुछ बिस्किट्स दिए, हाथ पैर धो के मुझे कुछ अच्छा लगा। मैं और वो हॉस्पिटल की लॉबी में बैठे हुए थे। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 5 पुलिस वाले हमसे थोड़ी दूर ही बैठे हुए थे। अब उसने मुझसे बात करना शुरू की और बातों बातों में उसने मुझसे फिर पूछा कि इतनी रात को मैं अकेली क्यों थी वहां पे। तो मैंने उसे सच बता दिया।
वो हंसने लगा और मुझे समझने लगा, उसने समझाने लगा। उसने मुझे ये भी बताया कि एक बार वो भी बचपन में घर से भाग गया था, लेकिन वो दोपहर में भागा था और रात तक घर आ गया था। एक तरह से वो मुझे टीस कर रहा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो रात में भागी, उसके हिसाब से मुझे दोपहर में भागना चाहिए था ताकि भूख लगने पे मैं घर जा सकूं। खैर, उसे बातें करते करते मैं पता नहीं कब सो गई। आँख खुली तो सुबह हो गई थी और वो लड़का अब भी वहीं बैठा हुआ था। मुंबई में वो 5 दिन थे बारिश का, सब जगह पानी भर गया था। ट्रेन्स अब बंद होने लगी थी बारिश की वजह से। मुझे पापा की याद आने लगी थी कि वो कितना परेशान हो रहे होंगे मेरे बिना। अब वो लड़का चाय लेके आया और बोला, चाय पियो और अभी अपने पापा को फ़ोन करो। उसने बहुत प्यार से मुझे बहुत समझाया। उसने ये भी कहा कि कितनी डेंजरस हो सकता था मेरे अकेले रात में रहना। उसने कहा वो अपने दोस्त को देखने हॉस्पिटल में जा रहा है, तब तक अपने पापा को फ़ोन कर लो। उसके जाने के बाद मैंने पापा को कॉल की और बताया कि मैं कहाँ हूँ। पापा फौरन लोकल ट्रेन से वहाँ आए और मुझे स्टेशन पे बुलाया। मैं भी भाग के आ गई पापा के पास। पापा के साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। कुछ देर रोने के बाद पापा को मैं बताने ही कहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं सारी रात कहाँ थी। मैंने पापा को बोला, चलो मैं उस लड़के से मिलवाती हूँ। पापा के साथ मैं उस अस्पताल उस लड़के को देखने लगी। मुझे कहीं नहीं दिखा वो लड़का। मैंने बहुत देखा लेकिन वो कहीं समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हॉस्पिटल कहाँ गया। हालांकि वो शॉप वहीं थी जहाँ से रात में उसने बिस्किट और पानी लिया था। मैंने जब उस शॉप वाले से पूछा कि भैया यहाँ एक हॉस्पिटल है, किस तरफ से रास्ता आता है, वो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे उसकी कुछ समझ में ना आ रहा। पापा ने भी पता किया लेकिन सबका कहना था कि यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है और जो हॉस्पिटल वो बता रही थी वो कुछ अलग ही था। पापा ने मुझसे नाम पूछा हॉस्पिटल का। मुझे झटका सा लगा। मिनाज, रात को जो हॉस्पिटल का मैंने नाम देखा था वो कुछ भी मुझे याद नहीं आ रहा था। उस लड़के की शक्ल ना नाम कुछ भी याद नहीं था मुझे। शाम तक मैं और पापा उस हॉस्पिटल की खोज में रहे कि वो कहाँ गायब हो गया। थक के हम घर आ गए। मैं सब कुछ भूल गई थी लेकिन उस लड़के का ये एहसान नहीं भूल पाई। मुझे नहीं पता वो कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ गया। मिनाज, लोग जब पूछते हैं कि भगवान होता है या नहीं, मेरे दिल से यही आवाज़ आती है, जो किसी के बुरे वक्त में उसके साथ दे वही भगवान होता है। मैं जब भी किसी को मुसीबत में देखती हूँ, जितना मुझसे बन पाता है उतनी हेल्प करती हूँ और उस लड़के को याद करके उसको दुआ देती हूँ। अनजान बंदे ने उस रात मेरी हेल्प की लेकिन उसका गायब होना मुझे आज भी हैरान कर देता है। इस दुनिया में आप माने या ना माने, अजीब और गरीब वाकयात होते रहते हैं। ऐसे ऐसे वाकयात जिसको इंसान का दिमाग शायद फौरन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे जिस मखलूक की हम बात करते हैं, जिन्नात, हमारी सोसाइटी में इसके ऊपर लोगों का अकीदा है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दुनिया के और कई ममालिक हैं जहाँ पे लोग इसको सिर्फ मजाक समझते हैं, इंसानी दिमाग का फतूर समझते हैं। ऐसे ही दुनिया के उन ममालिक में वहाँ के अर्बन लेजेंड्स मशहूर हैं, जिसका जब हम अपनी सोसाइटी में खोज लगाते हैं तो हमें हंसी आती है कि ये कैसे हो सकता। इससे ये साफ जाहिर है कि हर इलाके की अपने कुछ वाकयात हैं। हर इलाके की अपनी कुछ सच्चाई है और हर इलाके की
अपनी ही कोई कहानियां हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। मेरा नाम है मिन्हाज अली अस्करी, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारी स्ट्रीम का टाइम शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि सब साथ खैरियत से, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। आज की स्ट्रीम स्पेशल है, दो रीज़न है। एक, हमारी बेगम साहिबा की बर्थडे है तो इसलिए वो स्पेशल है। दूसरी वजह है कि आज हमारी बेगम हमारे साथ स्ट्रीम पे मौजूद होंगी, तो ये दो वजूहात की वजह से आज स्ट्रीम ज़रा कुछ स्पेशल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मज़ा आएगा। अच्छा जी, थोड़ी सी ज़रा हमारी वार्म अप हो जाए तो फिर हम 5-10 मिनट के अंदर बेगम साहिबा को अपने शो में शामिल करेंगे। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? अपनी खबर सुनाइए। ये आज हमारी लाइटों को क्या हो रहा है, बार बार फ्लिकर कर रही है। अच्छा जी, अभी सब अपनी जो है ना विशेस अपने पास रखें, रुकें, जब बेगम आ जाए तो बता दीजिएगा, उनके बता देंगे। अच्छा जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चैट कैसी है? सब कुछ सही है? आवाज़ सही आ रही है? ये क्या हो रहा है? एक सेकंड रुकिए, अगर इसको बंद करूं तो अब सही है। आई थिंक अब सही है। अब सही है। एक सेकंड, हाँ अब सही है। ओए, हाँ अब सही है, चले। अच्छा जी, सॉरी, मैं ज़रा लाइट को चेक कर रहा, फ्लिकर कर रही थी बार बार, इसलिए। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? सबको सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि साथ खैरियत से होंगे। शुरू के 5 मिनट एक भाषण के लिए हमने मुख्तसर किए हुए, और भाषण वही है कि आज आप लोगों ने देखा कि NCOC की तरफ से क्या अहकाम जारी हो चुके हैं। अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है पाकिस्तान के लिए भी। प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखें, खुदा के वास्ते अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, बस सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखें। आज बुला रहे वीडियो, क्यों बुला रहे? सही तो है, एक सेकेंड के लिए हुई थी भाई। और मोस्ट प्रोबेबली अब लॉकडाउन की तरफ ही सिचुएशन जा रही है, तो देख लीजिए, ज़रूरत की चीज़ें अपने पास रख लीजिए। अच्छा जी, हमारे शो में शामिल होने के दो तरीक़े हैं। सबसे पहले वो मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग अगर अपने साथ हुए वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ, या आप किसी ऐसे घर में मौजूद हैं जहाँ पे ऐसे वाक़यात आप लोगों के साथ होते हैं, तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। आई रिपीट, official.minhajaliaskari@gmail.com। इसके अलावा अगर आप लोग अपने वाक़यात हमसे स्ट्रीम पे ज्वाइन करके शेयर करना चाहते हैं, और अगर हमारी बेगम साहिबा से भी कोई बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को हमारी स्ट्रीम पे ये यूट्यूब चैट पे एक लिंक मैं शेयर करने वाला हूँ, उसको क्लिक करके आप लोग हमारी स्ट्रीम का हिस्सा बन सकते हैं।
ये लिंक हमने शेयर कर दिया है और उसको पिन भी कर दिया है। साइमल्टेनियसली हमारी जो हमारा ये शो जो है वो फेसबुक और यूट्यूब पे जा रहा है, तो तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक वाले कैसे हैं? फेसबुक वाले जो है ना बेचारे थोड़े से ऐसा मुझे लगता है कि इग्नोर फील करते हैं, आई रियली फील बैड फॉर देम। जी खैर, पड़ोसी मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं, आप सब से रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए। दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन जब कोई बीमार हो, जब कोई मुल्क ऐसी कयामत से गुजर रहा हो, तो उस वक्त दुश्मनी को याद नहीं करना चाहिए, उस वक्त इंसानियत को याद करना चाहिए। दुश्मनी का और भी बहुत वक्त बचा है, बहुत टाइम है दुश्मनी करने का, अभी इंसानियत का टाइम है, अच्छा इंसान बनने का टाइम है। दुआ कीजिए कि उनके लिए भी सब खैरियत रहे, कहीं पे भी इंसानी जान का नुकसान जो है ना वो एक दुनिया का नुकसान होता है। अच्छा जी, अब हम बेगम को इनवाइट करें कि नहीं करें भाई? अच्छा भैया, दूसरी बात ये कि जो जो लोग अभी हमारे साथ मौजूद है स्ट्रीम पे, यार जरा वीडियो को तो लाइक कर दें, 600 लोग, 700, 800, पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, तो लाइक तो कर दे जरा। 500 लाइक्स हो जाएंगे तो हम बेगम को बुला लेते हैं, क्या बोलती है पब्लिक? हैं पब्लिक, 500 लाइक्स कर दे जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, आपसे कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दे। 500 लाइक्स पे हम बेगम को स्ट्रीम पे शामिल कर लेंगे, जल्दी जल्दी, 2 मिनट का काम है भाई। दो मिनट का काम है, यूं हो जाएगा। अच्छा जी, जो वॉबल करना शुरू कर दिया, जो लोग अच्छा जी एएम कह रहे हैं, एएम मिनाज भाई थैंक्स फॉर द बेस्ट विशेस फॉर माय कंट्री, रियली अप्रिशिएटेड भाई। एएम बात सीरियसली, बात किसी एक मुल्क की नहीं है, सब लोग इस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं एक साथ, हम सब की तकलीफ एक है अभी वो, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, उसमें रहते लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, यहूदी हो, अभी सब इस बीमारी के इर्द गिर्द घिरे हुए, तो ये सबके लिए दुआ है। अल्लाह मियां सबको इस तकलीफ से दूर रखे, इस बीमारी से दूर रखे, और जो लोग इस बीमारी में मुब्तला, अल्लाह में उनको जल्दी से सेहत याब कर ले। डबल ए थैंक्स अ लॉट माय फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर सुपर स्टिकर। और मैं जो ना बड़े दिनों से वो भूल रहा था, जो हमारा बाबा, मुर्दे बाबा आते थे ना थैंक यू के लिए, ये लीजिए जी, तो जी सुपर फैंस के लिए थैंक यू। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कि अरे वाह भाई 500 हो गए, तो अभी हम बुला लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारी स्ट्रीम को, हमारे चैनल को लाइक करते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं कि हमारा ये ग्रोथ होती रहे, इसी तरह कंटेंट बनाते रहें, इसी तरह आप लोग को एंटरटेन करते रहें, वाकयात सुनाते रहें, तो आप लोग हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठ के हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, वो लोग सुपर चैट और सुपर स्टिकर के ज़रिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान में लोग बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो लोग हमें इजी पैसा और जैज कैश के ज़रिए अपनी सपोर्ट जाहिर कर सकते हैं। नंबर है 03111577846, ये वो नंबर है जहाँ पे आप लोग अपने इजी पैसा और जैज कैश के ज़रिए सपोर्ट दिखा सकते हैं, या फिर सुपर चैट और सुपर स्टिकर के ज़रिए आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं। ये आज जो है ना, ये बेगम पावर है भाई, ये होती है बेगम पावर। हम आते हैं तो मर मर के लोग आ रहे होते हैं, यूं टुक टुक करते हुए ना, टर्टल की तरह। आज शुरुआत में ही जी 700-800 लोग धड़ाधड़ हो रही है आज तो स्ट्रीम। अगर आज की स्ट्रीम अच्छी होगी तो बेगम को परमानेंट भी बिठा देंगे भाई, परमानेंट कर दो भाई, नंबर्स आएंगे, व्यूज आएंगे। अच्छा जी,
एक वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ईमेल आई हैं कि नहीं आई हैं। ईमेल तो बहुत सारी हैं अभी। एक सेकंड रुकिए। चलें जी, एक ईमेल की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद बेगम साहिबा को स्ट्रीम में शामिल करेंगे। I know it will be long, but it's pretty interesting and a weird story. So please read this story soon. Bodies of 11 members of the Bhatia family were found at a house in Delhi's Burari area early on Sunday morning. 10 bodies were found hanging and blindfolded, while another, the eldest family member, Mr. Bhatia, 77, was found strangled in a separate room. The rest, including 2 15-year-old boys, allegedly used scarves with religious motives and cables to hang themselves. They were gagged and blindfolded with hands tied. Cotton birds were found stuffed in their ears. The only one found alive in the house was the family dog, Jackie, who had been sent to the terrace. Neighbors said they did not hear the dog bark. However, the post-mortem report showed no sign of struggle, and it was suspected that the mass suicide of the family was caused due to the ritual gone wrong. The police also discovered 11 diaries scribbled with notes detailing the situation. It was also not the case of suicide, as according to the CCTV footage. And Minhaj, if you will see the CCTV footage, you will see that they are bringing stuff like chairs and ropes into the house. And they also conducted a havan, puja, before the mass suicide. A mysterious diary that the police found. Everyone should be blindfolded properly. Nothing but zenith should be visible to the eyes. A chunni or a sari should be used along with the rope. The Bhatia family had been writing down the steps to attain mass salvation, which will now serve as clues for police to unravel the mystery. Some of the notes stated that one will not die but attain something great, the officer said. The notes even specify the favorable day and time on which these kriyas should be performed. Worship the banyan tree for 7 days at a stretch with devotion. If somebody comes home, then do it the next day. Choose Thursday or Sunday as the day of the act. The notes even specify the favorable time as midnight to 1 a.m. Sources told Time of India that the family members had been writing this diary in Hindi for a few months. The last entry in the diary is around 2 days old. Police said the condition in which the bodies were found had stark similarities with what was written in the diary. The bodies were hanging in batches of 3, while one was hanging from the window grill. The bebe was lying in a separate room, and the note read, "The elderly woman can't stand, so she can lie down in another room." On another page, a family member had written, "Everyone should think in one direction with more determination than last time. As this is done, the way forward will be paved."
The note also directs the family to dim the lights in the house during the commission of the act, and the extra wrap around the hands should be used to blindfold the eyes. The mouth should be doubly wrapped with a handkerchief. The amount of devotion will determine the outcome. ऑलराइट जनाब, ये थे समीर सईद जिन्होंने बुरारी मर्डर केस जो कि दिल्ली में वाक़ पेश आया था कुछ साल पहले, एक पूरी फैमिली थी जिन्होंने मास सुसाइड की थी और किस तरीके से की थी उसके बारे में ये पूरा वाकया था। अगर आप लोग को मौका लगे तो आप ज़रूर इसको सर्च कीजिएगा। आई थिंक किसी एक रेडियो शो पे मैंने इसके बारे में ज़िक्र किया था, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस फैमिली की जो खातून थी वो असल में इन सारे चक्रों में थी, जो ये आप कह लें इस तरह की मास सल्वेशन और ये सब उसमें उनका ये सारा आइडिया था, जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने मियाँ को और आई थिंक अपनी सास को या अपनी वालदा को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया था, और ये आई थिंक बलि दी गई थी। किस वजह से, क्यों, आज तक किसी को नहीं मालूम। बस एक अजीब सी डायरी मिली थी जिसमें उस रात के बारे में लिखा हुआ था जिस रात इन सब की डेड बॉडीज मिली थी। चले जनाब, टाइम आ चुका है उसका जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे। हम भी काफ़ी सालों से अपनी बेगम साहिबा को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भई हमारी स्ट्रीम का हिस्सा बन जाए, लेकिन चूँकि बड़े स्टार लोग जो ना ऐसे आराम से नहीं आते, तो उनको बड़ा खुशामद करके दूसरे एंगल से बुला के रिक्वेस्ट नहीं तो कभी कुछ करके बोलना पड़ता है। आपकी शक्ल नहीं आ रही, अब इतनी बड़ी शक्ल हमारी नजर नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है। तो है तो ये हमारी बेगम, सही है, तो थोड़ा सा मैं बायस तो रहूंगा, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाकिस्तान की अभी चंद एक्टर्स में से ये एक एक्टर हैं जिन्होंने पता नहीं लातादात कैरेक्टर्स किए, कैरेक्टर्स और ड्रामे बहुत किए हैं। आप कहेंगे ड्रामे तो हर एक्टर कर रहा है, इनमें कौन सी ऐसी खासियत है? बिल्कुल, 90% जो हमारे एक्टर्स एक्टिंग कर रहे होते हैं वो आप देखेंगे सिर्फ ड्रामे का नाम चेंज होता है और कपड़े चेंज होते हैं, कैरेक्टर वही रहते हैं, वैसे ही बाल बने हुए होते हैं, वैसे ही मेकअप होता है, वैसे ही वो बोल रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि एक सेट से उठ के दूसरे सेट पर आ गए बगैर किसी कैरेक्टर बनाए, डेवलप किए, कुछ किए हुए। इनकी खासियत यह है कि ये जो हैं कैरेक्टर्स बनाती हैं, इन्होंने अपनी अर्ली टाइम्स में बड़े बड़े कैरेक्टर्स किए और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, भाई जब बिल्कुल मुझे याद है मैं और बेगम जब हम इंडस्ट्री में शामिल हुए थे तो सनर ने दूसरा तीसरा ड्रामा फैसल कुरैशी, और फैसल कुरैशी एक टॉप नॉच एक्टर हैं, उनके साथ एक्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है। नुमान एजाज के साथ, फैसल कुरैशी के साथ, फैसल रहमान के साथ, फिर एजाज असलम के साथ, अदनान सिद्दीकी के साथ, पता नहीं किया कि नहीं किया, नहीं पता, और फिर चलता रहा सिलसिला, तो एक के बाद एक बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करती रही। तो आज उन्होंने हमारी स्ट्रीम को इस लायक समझा कि वो हमारे स्ट्रीम का हिस्सा बने। तो अब टाइम वेस्ट के बजाय और पीटीवी का इंटरव्यू बंद करके हम अपनी बेगम को कहते हैं, जी बेगम साहिबा अब ज़रा उठ जाएं, बेगम साहिबा उठ जाएं, बेगम साहिबा उठ जाएं, उठ जाएं, बेगम साहिबा आ चुकी हैं भाई। ओहो, अस्सलामु अलैकुम।
बेगम मुझे तुम्हारी आवाज तो आ ही नहीं रही, ये कैसे होगा? हाँ चलो ये कर लेते हैं, सही अभी आ गई। हाँ बहुत आ गई, तुम्हारी आवाज तो दूर से आ जाती है, करीब से क्या, तुमसे हल्का सा आंखें दिखाओ हमें समझ में आ जाती है। क्या हाल है बेगम? ठीक है, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। अच्छा भाई इतनी तारीफ की, तुम्हें वो बोलना पड़ेगा ना महाराज, हां आप भी बहुत अच्छे हैं, ये सब बोलना होता है। यू आर वेरी गुड, आई एम लविंग द स्ट्रीम एंड स्पेशली द चैट। चैट पसंद आ रहा है, बहुत मजे की हो रही है। अच्छा चैट पे जो ना मुझे सना के मैसेज आ रहे थे, आज चैट जो ना बावली हो गई है, आज चैट ही हो गई है, आज चैट को बोले क्या कर रही है, चैट ही हो गई, चैट हो गई, चैट हो गई। तो तुम फोकस सारा चैट पे होता है, प्रोग्राम पे नहीं होता? नहीं नहीं जाहिर है प्रोग्राम पे भी होता है, लेकिन आई लाइक द चैट, इट्स नाइस। तो चैट पे चलिए, चलो अल्लाह हाफिज़ जी, ये चैट सुना, चैट कर लेती हूं। अरे बेगम क्या हाल है? गुड गुड, अल्लाह का शुक्र, लोग भाई आपको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए लोग मैसेज कर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। किसी ने गिफ्ट नहीं दिया? लेकिन किसी ने गिफ्ट नहीं दिया? मैंने दिया। आपने दिया? बड़े ऐसे हालात में दिया कि बस मैं क्या बताऊं। लॉकडाउन लग गया भाई? लग गया मतलब? हां लॉकडाउन तो लग गया ना, आज तो बंद था ना सब। I mean, वो वाला तो नहीं लगा ना कि हर वो लग जाएगा भी, दुबई तो सही दैट, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन लग रहा है कि लग जाएगा, जिस तरह की वो खबरें आ रही हैं वो एक दो हफ्ते के अंदर लग जाएगा। नहीं लगेगा, I don't think so। सॉरी माइक नहीं बंद नहीं हुआ। ब्लेस यू। अच्छा बेटो तुम्हें पता है कि ये हमारी जो स्ट्रीम है ना, ये है किस हवाले से? हॉरर। हॉरर सही है, और तुमने भी दो चार ड्रामे ऐसे, एक ड्रामा तो प्रॉपर हॉरर ड्रामा किया है, और एक तुम्हारा मिस्ट्री था, थ्रिलर था, थ्रिलर मिस्ट्री दरीचा, जो कि मेरा फेवरेट है। हाँ, आई लव इट टू। सही है, और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ वाकयात भी हुए। बिल्कुल हुए। तो क्या बताना पसंद करेंगे? Are we going to name and shame? नहीं नेम एंड शेम क्यों, वाकयात बताने ना तुम्हें। पता है, यू नो द ड्रिल। आई नो द ड्रिल। ऐसे बिल्कुल बस स्टार वन में ही फॉरन। नहीं नहीं, बिल्कुल स्टार। हाँ। मेरी आवाज से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? फटी भी हो रही है थोड़ी सी। बाद में उस पे कम चीखा करो ना। अच्छा अच्छा हाँ हाँ जी, क्या है वाकया तुम्हारा? एक बात बताओ, वैसे वैसे एक बात बताओ। हाँ। और ये नहीं कि मैं सामने बैठा हूँ या लोग सामने बैठे हैं या लोग क्या कहेंगे। आई नो कि तुम इतनी हिम्मत वाली कि तुम जो सच है बोल दोगी, इन पे यकीन है। और प्लीज वो मत बोलना जिससे मुझे जो है ना होता है कि यार मुझे पता है यही सबसे पहले सब बोलते हैं। अच्छा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पहले यकीन नहीं था। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, मतलब इन द सेंस कि हाँ जिन्नात होते हैं, मेरा कभी इनकाउंटर नहीं हुआ, तो यू नो मैं कभी उस तरह से मेरा बिलीव नहीं था। लेकिन जब मेरे साथ एक आध इंसिडेंट हुए, थैंक्स टू गेटिंग मैरिड टू यू, नहीं आपके तरह से नहीं, लेकिन शादी के बाद हुए मेरे साथ, उससे पहले मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। और हमारे यहाँ मेरे घर में लाइक यू नो इतनी कभी इस चीज़ पे कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुई कि यू नो जिन्नात एंड ऑल। तो एनी वे फिर हो गई हमारी शादी, और फिर हमने शुरू कर दिया काम, और काम करते थे तो जाहिर है आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हैं, लोकेशंस मीनिंग यू नो आपकी डिफरेंट डिफरेंट घरों में शूट्स होती है, तो हर घर की अपनी वाइब होती है। तो पहले तो मुझे रियलाइज नहीं होता था कि हो क्या रहा है। तो हम एक ड्रामा कर रहे थे दरीचा, और वर्ल्ड फेमस जगह हमारी कारसाज, वो जो घर था वो कारसाज पे था, ब्यूटिफुल हाउस, खूबसूरत घर, यू नो आइडियल फॉर शूट्स, क्लीन, हर चीज अच्छी थी उस घर में। अच्छा उस घर में एक अजीब सी बात, हमने दो ड्रामे किए थे, एक शाइस्ता शाइस्ता भी किया था और एक हमने दरीचा भी किया था। सो शाइस्ता शाइस्ता पे हमारे साथ कुछ इंसिडेंट्स होते थे, तो हमारे जो को एक्टर्स थे या इवन डायरेक्टर थे, वो कभी ये नहीं बोलते थे कि हाँ देयर समथिंग रॉन्ग विद द हाउस और यू नो समथिंग लाइक दैट। और शाइस्ता शाइस्ता तुम्हारा पहला या दूसरे ड्रामों में से था ना? हाँ इनिशियल इनिशियल बिल्कुल मेरे करियर का स्टार्ट था, और उस वक्त मैंने आज़र वाज़ योर फर्स्ट। या आज़र वाज़ माय फर्स्ट। यू गेटिंग अ फोन कॉल? सही है। सो उसके बाद क्या हुआ कि जी हम शाइस्ता शाइस्ता की शूट कर रहे थे, तो यूजुअली हम बिल्कुल टाइम पे रैप करते थे कि यू नो सुबह 9 बजे हमने स्टार्ट किया, रात के 9 बजे हम खत्म कर देते थे। लेकिन एक आध दिन हमारा ये हुआ कि यू नो वी प्लान कि हम आज लेट नाइट शूट करेंगे। अच्छा लेट नाइट शूट मीनिंग के हम इट यूज टू बी फन फॉर अस यू नो कि ओ माय गॉड लेट नाइट शूट है, पार्टी करेंगे, यू नो वी आर गोना हैव गुड फूड। और वहाँ पे इतना अच्छा इंतजाम था कि हमारा जो
किचन था वो भी हम यूज करते थे और वो जो शेफ था वो खाना बनाता था, तो वो बकायदा ऑन कॉल हमारे रहता था कि आज ये बनना है आज वो बनना है. तो एनीवे रात को हम सारे बैठे हुए थे, वी वर लाइक यू नो लेट्स जस्ट हैव डिनर एंड उसके बाद हम काम शुरू करेंगे. तो खाना वाना खाया एंड वी स्टार्टेड सिंगिंग ऊँची ऊँची आवाज में, और जाहिर है वो रात के कोई 10:30-11 बज रहे थे. गाते गाते एक आवाज आई धड़ाम, और वो ठीक ठाक जोर की धड़ाम आवाज जैसे कि धड़ाम से मतलब जैसे कोई नहीं नहीं कोई गिरा नहीं है, कोई मलबा टाइप गिरा है, लाइक यू नो ऊंची आवाज जैसे कहते हैं हम ऊपर, बिकॉज वो डबल स्टोरी था, रिमेम्बर देयर वाज अ ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर था, हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे. तो नीचे से आवाज आई कुछ जोरदार गिरने की, सारे हम लोग ना वही हमारे गाने वाने तो रुक गए. वी वेंट डाउन एंड एक कमरा था जो मेरा और जो मेरी को एक्ट्रेस थी वो हम दोनों बहनें प्ले कर रहे थे, तो हमारा रूम बनाया था, सो इट हैड टू बेड्स. जब हम उस कमरे में गए तो वो दोनों बिस्तर डिसमेंटल हुए हुए थे, जैसे जुड़े हुए होते हैं ना स्क्रूज से और नट से, वो दोनों बिस्तर जमीन पे बकायदा डिसमेंटल हुए हुए थे. और ऊपर कोई भी नहीं था, नीचे कोई भी नहीं था, हम लोग सारे ऊपर थे जो गाने गा रहे थे खाने खा रहे थे, यू नो कोने वाला बिल्कुल कॉरिडोर था जो कोने वाला कमरा वहां पर. अच्छा उस वक्त भी कहा कि यार चलो ये तो हमारे डायरेक्टर बड़े स्वीट से आदमी है फरोग भाई, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, और लेकिन नहीं नहीं कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है. एंड ये हुआ कि हाँ शूट पैकअप कर दी उस वक्त, नेक्स्ट डे इस वजह से हाँ बिकॉज इट वाज स्कैरी. और इन लोगों को क्योंकि अहमद साहब को भी पता था, फरोग भाई को भी पता था कि इस तरह का कोई सीन है और होता रहता था, यू नो एक आध बार जो है वो अहमद साहब ने जो है वो खिड़की से बकायदा यू नो वो सिटिंग इन हिज ऑफिस जो ऊपर वाला ऑफिस था वहाँ बैठे हुए थे, तो ही सॉ समबडी पासिंग बाय, तो उन्होंने फॉलो भी किया एंड इट डिसअपीयर्ड. खैर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जो हमारे डायरेक्टर थे उनसे मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बिकॉज ही वॉज मोर लाइक अ ब्रदर, यू नो, और आप जब दो दो प्रोजेक्ट इकट्ठे कर रहे होते हैं तो आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो आई यूज टू ट्रीट हिम लाइक माई ब्रदर. तो वो किसी बात से मुझ पर ही नाराज हुए, तो घर के ना पीछे एक वो राउंड वाली सीढ़ियाँ नहीं होती वो थी, वो वहाँ जाके बैठते थे. तो यूजुअली क्या होता था कि मुझे पता था कि वो वहाँ जाके बैठते, तो आई यूज टू कॉल हिम कि आ जाए फारूक भाई कोई बात नहीं ना. तो एक दिन ऐसे ही हुआ, हमारी किसी बात पे बहस हुई और वो सेट छोड़ के चले गए, वो जाके सीढ़ियों पे बैठ गए. अच्छा उस दिन मेरा भी दिमाग ख़राब था, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, क्या हर वक्त इनको मनाते रहो. तो मैं मेकअप रूम में बैठी हुई थी और फारूक भाई आए अचानक से, हाँ चलो काम शुरू करते हैं. मैंने कहा क्या हुआ, तुम आई थी ना. मैंने कहा क्या हो गया, दिमाग खराब है, मैं क्या हर वक्त आऊंगी. कहते नहीं तुम आई हो. मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं आई हूँ. तो उस वक्त ही रियलाइज के यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द हाउस. तो हुआ क्या, मतलब वाकई क्या वो उनके साथ ये हुआ कि वो वहां सीढ़ियों पे ऐसे गुस्से में बैठे हुए थे, तो समबडी लाइक मी यू नो जस्ट पैक किया उनका पीछे शोल्डर को और कहा कि यू नो जस्ट कम लेट्स स्टार्ट द वर्क. और पीछे देखा, उन्होंने नहीं मुड़ के देखा, ही डिड नॉट टर्न, उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, बट इट वाजंट मी, दैट इज फॉर श्योर, दैट वाज फॉर श्योर कि वो मैं नहीं थी. खैर उसके बाद तो कोई और होगा. कौन होगा, प्रोडक्शन का कोई होगा, लड़की असिस्टेंट, कौन लड़की, तो लड़की कैसे, इट वाज जस्ट मी एंड नॉट, लड़की का कैसे चला, तुम कह रहे थे आवाज थी ना कि आ जाए कोई बात नहीं. तो अभी आगे बताओ. तो उसके बाद क्या हुआ कि ये तो कंफर्म हो गया कि कुछ शेडी है घर में, यू नो कुछ चल रहा है. तो वो जो ओनर थी उस घर की, वेरी नाइस लेडी, बूढ़ी सी थी वो एक दिन आई, तो हम सारे बैठे हुए थे, हमने सलाम दुआ ली उनसे. उसके बाद हमने कहा कि आंटी इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो देन शी टोल्ड अस के कुछ साल पहले, लाइक 2-3 साल पहले उनके जवान बेटा जो हु यूज्ड टू लिव इन कैनेडा, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट. Achha. And she said, ke, you know, he visits me here. Weird. Her dead son. Yeah, her dead son. So she told us ke wo mujhe lagta hai ke kabhi kabhi yahan aata hai. To hum sare to eh to yun ho gayi. Aur tum logon ne maan li baat. Of course kyun? Meaning wo bichari unka to maa hai na, maa ko to lagta hi hai. Jaise ammi ko abhi lagta hoga ki bhajiya visit karti unko. हाँ, उनको फील होता
हो सकता है, लेकिन शी बॉट अस यू नो बाय सेइंग दैट, मतलब वी वर लाइक हाँ. लेकिन और पता है अच्छी बात क्या, वो जो भी चीज थी उसने कभी हमें हार्म नहीं किया. वही वाली मैं वॉशरूम बोलना नहीं चाह रही थी, उसी का तो मैं बता रही थी. वो हमारे जो राइटर और मोहम्मद अहमद साहब बड़े अच्छे एक्टर हैं, बड़े अच्छे. तो मेरे पास तो मोम है ना. ओ यहाँ दानिश के क्या नाम था, मुझे नहीं याद नाम, बड़े मशहूर हुए ना कोई साहब. कौन साहब, साहब थे कोई हुमायूं सईद के जो ऑफिस में कुली फ्रेंड थे ओ व्हाटएवर. तो वो मेरा क्या अब्बा, हाँ ना वो साहब क्या थे मेरे दिमाग में फंस गया. वो चैट को बताओ, चैट बता, चैट टेल अस. है तो वो बाथरूम में बैठे मदीन साहब, मदीन साहब विशाल, विशाल हैदर ने बताया. बड़ी अच्छी बातें करती हूँ. खैर तो एनीवे मैं कहाँ थी, तो यार वो बाथरूम में मतीन साहब नहीं, अहमद साहब, अहमद साहब बाथरूम में बैठे हुए थे और वो कुछ कर रहे थे. अचानक ही फेल्ट की यू नो किसी ने वो वेंट, रिमेंबर आपके सामने ये स्टोरी में डिस्कस की थी, आई थिंक वेंट पे से वो कह रहे कि मैं वॉशरूम में बैठा हुआ था, मोबाइल यूज कर रहा था. हाँ सही है. और मोबाइल यूज करते करते उनको कॉर्नर ऑफ द आई से ऐसा, यूं बैठे हुए थे और मोबाइल यूज नहीं, वो मुझे भी याद है बात. चले खैर अभी इस तरह बैठे थे, यूं बैठे हुए थे और यहाँ पे वो रोशनदान था वेंट. हाँ वही सही है. और कह रहे कि मुझे बकायदा यहाँ से नजर आया कि कोई बंदा यूं करके नीचे गिरा है. मुझे आपको कॉर्नर ऑफ द आई से नहीं लगता कि किसी ने छलांग मारी है उस तरह का. वो कह रहे हैं कि बकायदा मुझे लगे कि यहाँ से कोई गिरा है नीचे. हाँ. और आवाज आई है तो कहते हैं, हाँ कह रहे हैं उन्होंने मुझे कहा आवाज आई है. तो मैं जो भी कर रहा था मैं उठा, मैं चेक करने की रही कि भी क्या हो गया, कोई मतलब ऊपर छत से ऐसा पहले भी हो चुके ना तुम लोग सेट पे कि वो ENG वाले कोई काम कर रहे होते गिर जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है. उनको लगा कि कोई ENG वाला गिर ना गया हो, तो वो बाथरूम से फारिग होके भागे कि कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट ना हो गया. तो जब बाहर उन्होंने उस तरफ जाके देखा तो वहां पे ना छज्जा था, ना उस खिड़की पे कोई खड़े होने की जगह थी, वो डायरेक्टली छत से जमीन तक कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसपे कोई बंदा आके खड़ा हो सके, यानी कि छलांग लगा के उस जगह पे आ सके. और वो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा अगर ऊपर छत से गिरे और जमीन तक जाए उसको चोट ना लगे. सेकंड फ्लोर था और वो खास सा बड़ा घर था. हाँ ऊंचा था. हाँ ऊंचा था. लाइक वो जो अपन उन्होंने कह रहे हैं, मैंने लोगों से भी पूछा तो कह रहे सर कौन ऐसे जंगली होगा कि ऊपर से छलांग लगाएगा. कोई भी नहीं आया. और कह रहे हैं मुझे बाकायदा नजर आया था कोई बंदा गिरता हुआ. और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कोई देख रहा है. मुझे अब ये याद नहीं कि उन्होंने यही कहा था. वैसे मुझे याद है कि कंफर्म अगर ऐसे मर जाती उसी वॉशरूम में तो मैं भी गया था. कुछ हुआ था जिस दिन उन्होंने ये वाकया बताया ना उससे 15 मिनट पहले मैं वॉशरूम गया था. तो मुझे मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था. और ये वाला वॉशरूम था जो जिस कमरे की तुम लोग बात करो ना कोने वाला, उसी को वॉशरूम वहां पे भी. और एक और रूम था जहां दहशत थी, वो था मेकअप रूम. नहीं मेकअप रूम और एक वो जो फुरकान का रूम बनाया था भाई वाला, ये ऑफिस था. ऑफिस के जो टेरेस पे निकलता था कमरा, उस कमरे में बहुत दहशत थी. वहां मैं कभी अकेले नहीं बैठती थी. हाँ दैट वाज द ओनली रूम वहां. और मेकअप में भी एक्चुअली हम लोग कोई भी अकेला कभी नहीं बैठता था, पता नहीं क्यों. और ये शुरू से था रूटीन. और अब उस घर में शूटिंग नहीं होती ना, वो आई थिंक घर तोड़ दिया इसी वजह से. आई डोंट नो या हो सकता है कोई बेच दिया होगा. आंटी अकेली थी, आंटी का कोई भी नहीं था. नो सिब्लिंग्स, नो हस्बैंड, नो सन. सो मे बी यू नो एंड शी वाज प्रीटी ओल्ड. पता नहीं अल्लाह जाने. लेकिन ये पहला वाक्य था जो सना के साथ हुआ था. सना उससे पहले जो ना मेरा मजाक उड़ाती थी. नो पहला तो वो घर पे हुआ था. कौन सा? द कैट वाला. वो तो छोटे छोटे भाग है ना. हाँ उसपे भी मैंने जो है एक्सप्लेनेशन ढूंढ ली थी कि नहीं नहीं हमारे दिमाग खराब है. लेकिन उस एक्सप्लेनेशन कैसे ढूंढ सकते. उसके बाद जब बजिया ने कहा ना कि यहाँ बिल्ली है उस वक्त. बताओ ना. अच्छा तो हम शूट कर रहे थे. एक सेकंड रुको ना. अच्छा पहले मैं लोगों को जरा वो कर लूं, जिन जिन लोगों ने सुपर चैट भेजा भाई उनके नाम शामिल कर लें.
मरियम अनम थैंक यू फॉर योर सुपर स्टिकर, डबल ए थैंक यू, डबल ए दोबारा थैंक यू। अच्छा ये अब सबके नाम आगे पीछे हो चुके हैं, तो हमारी दुबा जो है ना वो हमारे काम आएगी। डबल ए मिनाज भाई थैंक्स फॉर द बेस्ट विशेस फॉर माय कंट्री, ये तो हो गया मैसेज। डबल ए ताहिर रजवी साहब थैंक यू सो मच। उमर बट हैप्पी बर्थडे भाभी, मेक श्योर यू टेक दिस कैश फ्रॉम द हॉरर भाई। इतने सालों में तो मुश्किलों से आई है ये। अली रजा अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, सलाम टू सना भाभी, थैंक यू फॉर ग्रांटिंग माई विश, लव टू नायल, रमजान मुबारक फ्रॉम मेलबर्न। डबल ए मरियम अनम उमर बट ये दोबारा आपने पढ़ रहे हैं सब भाभी भाभी कर रहे हैं, बट आई हैव टू अप्रिशिएट आर भाई टू, थैंक यू मिनाज भाई, पहले वाला भाभी को दे देना बस। अच्छा अरे कोई पैसे नहीं दूंगा सारे मेरे। अच्छा जी तो आज हम दो मियां बीवी, अक्सर लोग अपनी जब भी मैं और सना साथ बैठे ना, जब भी किसी शो में बैठे हैं, अल्लाह की कसम सब लोगों ने ये पूछा है शादी कैसे हुई है आप लोग। क्या करते हैं आप लोग, इतने हंसे से मुस्कुराते रहते हैं, इतने क्यूट लगते हैं, तंग नहीं आ गए थे सवाल के जवाब देते थे कभी किसी ने काम की बात नहीं की कभी। लेकिन आज जो है हम फर्स्ट टाइम आई थिंक दोनों बैठ के अपने अलावा, अपनी शादी के अलावा, अपने फड्डे बच्चे घर इनके अचीवमेंट के अलावा हम बात कर रहे हैं आज जिन्नात से रिलेटेड। मैं मेरी बीवी और जिन्नात ये टाइटल रख देंगे। हाँ हो गया बेटा, एक उसके बाद तो मेरी जिन्नात के साथ कुछ एक आध बड़ी स्केरी एपिसोड्स भी हुई हैं। मतलब ये सब मेरी शादी के बाद हुआ था, इससे पहले नहीं हुआ। नहीं मतलब मैं ही हूँ दिस हॉरर भाई मेड माय लाइफ हॉरिबल। नो नो ही डिडंट मेक इट हॉरिबल बट या नहीं आई थिंक बिकॉज मैंने वही जैसे शुरू में भी कहा कि बिकॉज हम शूट करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट घर पे जाते हैं, यू नो कभी आप किसी एरिया में हो कभी आप किसी एरिया में हो, तो आई थिंक उससे बड़ा फर्क पड़ता है आपको। अब जैसे मुझे हर जगह का पता लग गया कि हाँ यहाँ पे ये मसला है, वहाँ पे ये मसला है, इधर ऐसे रहना है, उधर ऐसे रहना है। सो या आई थिंक वो घर की वजह से होता है मिनाज, इट्स नॉट अबाउट मी गेटिंग मैरिड टू यू, डोंट फील बैड। लग रहा था मुझे फील कर रहा हूं बैड। यू वर सैड। अच्छा नहीं तो ये मुझे बताओ कि तुमने हमारे एक्टर्स जो हैं लोगों को लगता है कि तुम लोग सेट पे काम करते हो। नहीं नहीं सेट्स पे ही हम लोग ये लोग एक्टर बेचारे रियल सेट्स पे काम कर रहे होते हैं, रियल घर मकानात में रियल लोकेशन पे काम कर रहे। लोगों को ये भी लगता है कि एक्टर की क्या जिंदगी है यार, एसी चल रहा होता है, ये असिस्टेंट चार असिस्टेंट, ये कॉफी, ये चिकन, ये जेंडर्स का खाना, ये अम्ब्रेला और ये वैनिटी वैनिटी वैन और ये पसीना, तो इन्होंने जिंदगी में सुना ही नहीं होगा व्हाट इज पसीना। और इनके पास लेविश गाड़ियां होती हैं, यूं वो खड़ी होती है, क्या होती है नहीं वो कौन सी होती है बड़ी सी, अरे वो बड़ी सी गाड़ी है लिमोजीन होती है। अबे चुप कर लिमोजीन नहीं वो बड़ी वैन जो होती है, ओ वैनिटी वैन, वैनिटी वैन, वैनिटी वैन होंगी। सी वी डोंट इवन नो द नेम ऑफ वैनिटी वैन, पुअर एक्टर। ऐसा कुछ नहीं होता, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे यूजली आपने देखा होगा कि ड्रामों की कहानियां मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर ज्यादा होती हैं, तो मकान भी आपको वही दिखाने पड़ते हैं। तो जिन मकानात में जाके लोग शूट करते हैं उन मकानात की हालत ऑब्वियसली यू जस्ट कांट से ये लोग यू हैव बीन थ्रू दिस एज़ वेल, यू नो साल हो गया, बहुत साल हो गए, मैं आपको यू नो मैं आगे चला गया, मैं हॉलीवुड चला गया ना, पाकिस्तान में तो मेरा कोई वो ही मैं यूट्यूब चला गया, यूट्यूब पे हो गया लोग अभी तक टीवी तक हो रहा है, टीवी के लोग आए हैं आज यूट्यूब पे, टीवी के लोग स्टॉप इट, इतने बड़े बोल अल्लाह मैं आई एम सॉरी टीवी वाले आए हैं जी। अच्छा नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो तुमने एक ऐसे घर में भी शूट किया है जो तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ी सुपरस्टार पाकिस्तान की, बहुत बड़ी सुपरस्टार, उन्होंने भी शूट किया था उस घर।
और उस घर में उनके साथ बहुत खतरनाक वाकया हुए थे। खतरनाक वाले वो, और ये वही घर है जहाँ पे तुमने भी शूट किया था, काशिफ सलीम वाला जो सेट था। कैंट बहुत बड़ी सुपरस्टार कौन है पहले? बस छोड़ दो ना, मैं तो नाम नहीं ले सकता ना, इतना हम प्रमोट नहीं करते। सॉरी, इट्स नॉट अ फनी शो, ओके मिस्टर अस्करी। नहीं हाँ, अय अल्लाह वो घर क्यों याद दिलाते हैं मुझे, वो घर मत याद दिलाया करें। उस घर में वो एक एड भी शूट हुआ है। Now you're making me laugh. थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, वो एड तो मैं नहीं डिस्कस कर रही, लेकिन हाँ वो बड़ा अच्छा घर था। खैर, कमिंग बैक टू द हॉरर स्टोरी। फिर आप, तुम्हारा एक ड्रामा आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, उस पे बाद में यू में एंड करेंगे, उस पे एंड करेंगे। उसे बीच में वो जो हमारे गुलशन वाला जो डी रेवन वाले, ओहो चलो खैर, तो मैं गाना से एवरीथिंग टुडे। हां हां सही है, वो वाला जो घर था जहां पे तुम्हारा फर्स्ट टाइम हुआ था, वो मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। मेरा पहला प्रोजेक्ट आजर की आएगी बारात की शूट चल रही थी, और हमारी शादी को 4 महीने हुए थे। 4 महीने नो, 1.5 महीना हुआ था। वी गॉट मैरिड इन जुलाई एंड देन 1.5 महीने बाद आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर दैट प्ले। और उस वक्त हम लोग गुलशन में रहते थे, उस वक्त हम गुलशन में रहते थे। मैंने आज ने एड्रेस भी बता दिया, जाके देख सकते हैं। बताया, कंफर्म भी कर दिया, जाने दे। तो अब वो गुलशन बहुत बड़ा है, गुलशन ही लोगों को पता है मैं कौन से घर की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ो, तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब मैं वहाँ शिफ्ट हो गई, देवर तो ऑलरेडी लिविंग देयर, सो मैं वहाँ मूव हुई। और मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं पता कि यू नो ये जिन भी होते हैं, अच्छा स्मार्टनेस, इन लोगों ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया कि कुछ हुआ, या क्योंकि मेरी शादी के दौरान काफ़ी सारी वियर्ड एक्टिविटीज उस घर में हुई थी। लेकिन से पहले भी बहुत सारी, वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इमरान के साथ जो हुई थी, इमरान के साथ। तुम्हारा इमरान था जब तुम आई थी? नहीं, सारा कुछ हो गया। तो वन डे आई केम बैक होम अर्ली, और उस दिन मेरी लेट सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी वहां पर। तो मैं घर में, जैसे सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ चढ़ के आप वो डोरना आप खोलते हैं और जाहिर है घर के अंदर जाते हैं, मैं सीढ़ियों पे आ रही थी। यू वर बिहाइंड मी राइट, यू पिक मी अप दैट डे, सो मैं आज पीछे आ रहे थे। अच्छा, मैं उस वक्त हम घर में इंटरव्यू तो खाना खा लिए थे ना? नो, ये तो बिल्कुल एंट्रेंस पे हुआ था। अच्छा। बिल्कुल मैं घर में घुस रही थी और मैंने ऊंची आवाज में बोला कि यार ये बिल्ली कहाँ से आ गई है सीढ़ियों पे। खैर, वो हमने बात वहीं रफा दफा करी और मैं सीधी घर में घुस के मैं किचन में चली गई देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो अम्मा, मेरी मिनाज की अम्मा और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों किचन में थी, एक बजिया शायद रोटियां बना रही थी, क्या हो रहा था, खाना सर्व कर रहे थे। तो मैं वहां गई, सारा कुछ देखा एंड देन बजे बजे कि बिल्ली कहाँ से आ गई है। मैंने कहा हाँ ये बिल्ली कहाँ से आ गई है, तो हमने ऊंची आवाज में कहा कि घर में बिल्ली क्या कर रही है। एंड देन आई रियलाइज के पहले बाहर थी वो बिल्ली, उसके बाद उसी तरह की बिल्ली घर के अंदर थी जो किसी और ने नहीं देखी सवाय मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने। अम्मा ने भी शायद देखी, अम्मा ने नहीं देखी थी। सो मैंने थोड़ा सा गलत बता रही हूँ, हम लोग उस पे बैठे हुए थे, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, वही तो बता रही हूँ। और खाना खा के हम लोग जा रहे, हम खाना सर्व कर रहे थे, मैं और बजिया किचन में, पहले बिल्ली दिखी, उसके बाद बजिया ने ऊंची आवाज में कहा कि यार ये बिल्ली, अली देखो ना ये बिल्ली आ गई है, तो वो डाइनिंग में भी फिर बजिया ने देखी। So there was this was the first episode. अच्छा, उस वक्त मैंने कहा भी कि यू नो ये क्या हो रहा है, ये बिल्ली कहाँ से आ गई है, सारा कुछ। उस वक्त भी they did not tell me कि यू नो घर में कुछ है, कुछ स्पूकी है। खैर, थोड़ा सा पीछे हो जाओगे? Sorry. क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा हार्श हो गई। Sorry. या इधर आ जाओ, थोड़ा सा। Okay. Like this? हाँ, बेहतर। Okay. So खैर, anyway. तो ये बिल्ली वाली एपिसोड हुई। तो उसके बाद जब हमने ये डिस्कस किया, देन दे स्टार्टेड टेलिंग मी ऑल द स्टोरीज के भाई ये हुआ, किसी को जमात पड़ा,
वो रैंडम कपड़े जो निकले वहां से स्टोर में से, मतलब लिटरली बेबी साइज क्लोथ्स निकले, जो मतलब जब हमारी शादी हुई वो शादी टाइप के ही सलवार कुर्ते चीजें इस तरह की निकली। तो उस वक्त तो सारा खानदान बाहर से भी आया हुआ था, तो मेरी मदर इन लॉ ने पूछा भी कि ये किसके हैं, तो एवरीबॉडी वाज लाइक इतना छोटा बच्चा तो घर में है ही नहीं। तो वो फिर अजीब तो ये अजीब अजीब सी एपिसोड्स वहां पे होने लगे। लेकिन वो वाली सबसे स्कैरी थी ना, जब हम मगरिब के वक्त घर पे आए और फाउंड अम्मा, वो मैंने बताया था लोगों को, दैट वाज टेरिबल। वो तो बहुत स्कैरी थी, मतलब मैं भी मदर इन लॉ की शक्ल देख के मुझे तो बेहोशी हो रही थी कि ओ माय गॉड व्हाट हैज हैपेंड टू हर, यू नो। वो बहुत स्कैरी था, मतलब हम घर आए हैं एंड पूरे घर में लाइट भी नहीं थी उस दिन, रिमेंबर देयर वाज नो लाइट, और हम आवाजें दे रहे हैं, सिर्फ हमें रोने की अपनी अम्मा की आवाज आ रही थी और सिर्फ रोने की आवाज। फिर हमने पूरा घर ढूंढा वो टॉर्च से, उसके बाद पता चला वो गैलरी में कोने में बेचारी उनके हाथ में से पा रहा था और वो रो रही थी, कांप रही थी। शी वाज मतलब देख के हम लोग डर गए कि पता नहीं क्या हुआ है बेचारी के साथ, लेकिन दैट वाज वेरी स्कैरी, वो तो बहुत स्कैरी था। और मैं बता चुका हूँ, दोबारा अगर बता देते, खैर जितने नए लोग हैं कि जो लोग हमारी स्ट्रीम को सुन रहे हैं, लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बोल देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बड़े स्टार, बेल आइकॉन, जब बड़े स्टार बोलते हैं ना, यू शुड आस्क नाइल टू डू दिस फॉर यू। नाइल को तो छोड़ो ना, नाइल तो सुपर स्टार है ना, उनको तो लाने के लिए हॉलीवुड से किसी को बोलना पड़े। तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ऐसे बोलते हैं। वो जो अम्मी वाला वाक्या था वो नए लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। yeah. भाई हुआ ये कि हम लोग उन दिनों जल्दी आ गए थे, उस दिन मगरिब तक आ गए, मगरिब नहीं इशा हो गई थी, इशा की अजान होती है। अच्छा, हम मगरिब कभी भी घर नहीं पहुंचे थे, इतना जल्दी कभी नहीं पहुंचे, सही है। उस दिन जो है इशा, आई थिंक इशा हो रही थी या हो चुकी थी, नहीं हुई नहीं थी, इट वाज नॉट दैट, मगरिब और इशा का टाइम के बीच का वक्त था। तो हम लोग घर पहुंच गए, लाइट गई हुई थी इत्तेफाक से, मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे था और उसका एंट्रेंस जो थी वो ग्राउंड से गुजर के, एक छोटी सी गली से गुजर के पीछे से उसका रास्ता था। वो रास्ता इतना स्पूकी था हमेशा से, वो हमेशा से स्पूकी था। और जो लोग उस इलाके से वाकिफ है, पहले तो उस इलाके का वो पीछे ग्राउंड जो था वो बना हुआ ही नहीं था, तो जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो फिर हमने वो पूरा ग्राउंड बनवा दिया था, नहीं हमने नहीं बनवाया था। खैर तो वहां पे आए थे, इस तरह के वाकयात होते रहते थे शादी से पहले भी, हमें जब हम रह रहे थे तो हमें बता दिया गया था कि ऐसे होते हैं वाकयात। आप लोगों को बताया पता था क्योंकि वहां पे वो भी रहते थे ना पहले, जो केयर टेकर था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, छत पे यूजली ऐसे वाकयात होते, वहां को दरख्त था ना इतना ऊंचा, छत तक जाता था, याद नहीं, सामने हमारे गेट पे आता था। तो हम घर के अंदर एंटर हुए तो घर में अंधेरा ही अंधेरा। अच्छा, मैं अम्मी को आवाज़ दूँ, सना अम्मी को आवाज़ दे, आप घर में घुसते ही सबसे पहले घर वालों को सलाम दुआ कर रहे होते हैं। अब अम्मी को हम ढूंढ रहे हैं, अम्मी की अम्मी मिले नहीं, तो ढूंढते अब हल्की हल्की ना अंधेरे में आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कोई रो रहे, जैसे किसी की रोने की हल्की हल्की आवाज़ आई थी, हाँ जाहिर है हिचकियाँ ले लेके रोने, मतलब आंसू पसीने, she was in very bad condition. तो ढूंढते ढूंढते एक ही कमरा ढूंढते ढूंढते हम लोग बालकनी में पहुंचे जो कि बिल्कुल घर के कोने पे था। हम पहुंचे तो अम्मा जो है बिल्कुल बालकनी में बाहर कोने में डरी सहमी बैठी हुई, हवा खुश कमी के पसीने पसीने पे बैठी हुई थी। और मेरी अम्मा काफी बहादुर है, अम्मा ने कभी कभी डर नहीं लगा, पहले भी अम्मी के साथ हो चुके हैं वाकई, तो अम्मी को कोई डर वर नहीं लगता। तो वो कहती हैं कि तो हम लोग परेशान, मैंने कहा क्या हो गया अम्मी, मुझे लगा कि तबीयत खराब हो गई, अल्लाह माफ करे, या कुछ कोई ऐसी खबर आ गई है, कुछ हो गया है, कुछ जिसकी वजह से अम्मी डिस्टर्ब। तो फिर अम्मी ने जब सांस अम्मी की सही हुई, पानी वानी पिलाया, तो फिर अम्मी ने बताना शुरू किया। अम्मी कहती कि जब तुम लोग करीम इधर बैठी हुई थी और तुम लोग को मैंने देखा, तुम लोग की गाड़ी आके रुकी है और तुम लोग ऊपर आ रहे हो, तो कह रही मैं बालकनी से उठ के अंदर गई के चलो जाके दरवाजा खोल लेती हूँ। कहती मैंने जैसे ही अंदर तक गई हूँ तो बाहर का जो नीचे का आई थिंक दरवाजा था, जो नीचे वाला था, कह रहे वहां पहले धड़ 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 होना शुरू हुई। तो कहती है मुझे अजीब सा लगा कि तुम्हारे पास तो चाबी होती है, तुम क्यों धड़ धड़ करोगे।
क्या नहीं, मैं समझी कि शायद कोई दरवाजा लॉक नहीं हो रहा होगा, नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैंने अपने ऊपर वाले घर का गेट खोल के नीचे झांकने की कोशिश की, तो वहां पे धड़ 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 कुछ जोर जोर से ना दरवाजा बैंग कर रहा था बकायदा। और कह रहे कि मुझे ये पता है कि तुम लोग उस गली से आ चुके हो, यानी कि अम्मी को लग रहा था कि हम है उस दरवाजे पे। खैर अम्मी ऊपर आई ये देखने के लिए कि अपनी खिड़की से देख ले कि हम है कि नहीं, क्या हो के मसला पूछ ले। नीचे तो अम्मी घुटनों की वजह से नहीं जा सकती थी ना। खैर वो दरवाजा उन्होंने घर का लॉक किया, अभी मुड़ी है, कहती मैं मुड़ी थी कि अब घर का दरवाजा धड़ 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 जोर जोर से नॉक होना शुरू हुआ। और कहती है मुझे लगा कि शायद तुम लोग हो या कोई, अल्लाह माफ करे, कोई चोर डकैत पीछे पड़ गया, तुम लोग भाग रहे हो। तो कहते मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं, और उस कॉरिडोर में अंधेरे ही अंधेरे, याद होगा वो ट्रंक भी पड़ा हुआ था। कह रहे वहां पे कोई नहीं। कहते मैंने दरवाजा बंद किया, मैं वापस बैल्कनी की तरफ जाने लगी तो फिर किसी ने दरवाजा धड़ लॉक करने शुरू किया। और कहती है मैं भागती हुई गैलरी में गई हूँ ये देखने के लिए कि तुम लोग सही हो, माँ है ना, पता नहीं क्या। उनको लगा कि कोई चोर घुसाया है। अच्छा ये तो अम्मी को लग रहा है चोर घुसाया, अब हमारी भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना, क्योंकि हम भी ऊपर आ रहे हैं, तो जब हम लोग ऊपर आ रहे तो हम तो वहां से गुजरते हुए आ रहे थे, हम वहां से गुजरते हुए गए, उस गली से गुजरते हुए गए, गेट में चाबी डाली, गेट खोला, ऊपर आए, ऊपर का गेट खोला, अंदर आए। तो जब अम्मी के साथ ये सब वाक्य होता तो हम तो उस वक्त मौजूद थे, और इत्तेफाक से हमजा भी उस दिन जल्दी आ गया था। और जब हमजा आया तो इत्तेफाक की बात है कि हमजा भी उसी वक्त आ गया था, मैं और हमजा, फिर हम याद है वो बैट वैट लेके पूरा घर हमने, और पता नहीं कोई और भी हमारे साथ था, उसामा था या कौन था, कोई था, आई थिंक उसामा था, कोई एक और भी था। हमने पूरा घर ढूंढ लिया जाके, कि छत देख लिया, गैलरी देख ली, पीछे का, नीचे का, आगे पीछे, कुछ भी नहीं था हमारे उस वक्त घर में, कोई एंटर भी नहीं हो सकता क्योंकि दीवार ऊंची हो चुकी। लेकिन ये उसके बाद हुआ था या उससे पहले हुआ था, व्हेन अम्मा सॉ अ किड, उसके उन्हीं के करीब करीब हुआ था। हाँ वो शादी से पहले हुआ था, वो वाला वाक्य शादी से, वो मेरे सामने भी एक बार हुआ है, शी सॉ समबडी सिटिंग ऑन द स्टेयर्स, वो शादी से पहले हुआ था। रियली? वो शादी से पहले हुआ था, द डॉग बॉय, द डॉग बॉय। उसके बाद उसी घर में फिर हमजा के साथ हुआ था, जब हमजा वो जो एक लॉक्ड रूम था, वो थप्पड़ जो पड़ा था, थप्पड़ भी पड़ा था, और वो दैट स्टोर रूम गया, जो लॉक था वो, जो उसको खोल दिया, उसके बाद वो वहां कभी नहीं गया हमजा, उसको वहां उसको मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि वो पूरा भरा हुआ था और लॉक था वो। इत्तेफाक से शादी चल रही थी तो हमजा को कोई जगह नहीं मिली, तो उसने कहा चलो यार ये खुला हुआ है, मैं जाके ना कपड़े चेंज कर लेता हूं, बेचारा वैसे ही आई थिंक हमारी मेहंदी या ऐसी कुछ था, 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 था तो उस पे ये हुआ था। हां अच्छा फिर हम आते हैं भाद्रपद वाले घर पे। भाद्रपद वाले घर पे भी देख इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ था, बड़ी अम्मी वाला, बड़ी अम्मी वाला आप बताना पसंद करेंगी तो ये उससे ही जुड़ेगा, ये वाला वाक्य किससे जुड़ेगा, मेजर वाले से नहीं, नहीं नहीं, नहीं जोड़े वोड़े का छोड़ो, नहीं नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं जुड़ेगा। हाँ सही कह रहे हैं भाई, ये बात नहीं है कि आप लोगों को लग रहा हो कि ये दोनों में भी बैठ गए, पता नहीं जहाँ जाते हैं इनके पीछे जिन्न आ जाते हैं। नहीं नहीं मेरे साथ, मैं सही बता रही हूँ, मेरे साथ कभी नहीं होता था ये, आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग, यू नो, मुझे लगता है कि because I go to different places, you know, तो उसकी वजह से ये मेरे साथ हुआ है। खैर मैं एक और ड्रामे की शूट कर रही थी और ये एक हॉरर ड्रामा था, वो दोबारा की शूट कर रही थी, और उसमें यही होता था कि बड़ी लेट नाइट, क्योंकि जाहिर है हॉरर प्ले था तो अंधेरे में ज़्यादा शूट होती थी, रात का काम ज़्यादा होता था। तो एक दिन लाइक अराउंड 1:30 बजे हम घर आए हैं, तो हमको ये 1:30 बजे घर आए हैं, और हम अपने कपड़े में सीधा गए क्योंकि माय मदर इन लॉ वाज स्लीपिंग, और मिन्हाज की नानी भी उस वक्त थी तो वो भी सो रही थी, सब सो रहे थे घर पे, तो हम सीधा अपने कमरे में गए एंड हमने दरवाजा लॉक किया। अच्छा वो घर बड़ा, व्हाट डू यू कॉल इट, पुराना, बहुत पुराना, 50s का बना हुआ था। हाँ 50s का बना हुआ था, तो ऊंची ऊंची दीवारें और यू नो ऊंची ऊंची दीवारें ऊंची ऊंची थी, और वो चुटकनी वाले जो है ना वो दरवाजे थे, वो नॉब वाले नहीं थे जो मॉडर्न दरवाजे होते हैं जो कोई भी खोल के अंदर घुस जाए, वहाँ चिटकनियाँ थी, और वो मैंने बंद किया था। हाँ और वो मिन्हाज ने बंद किया हुआ था, एंड एज ऑलवेज यू नो हर
एवरी मैरिड कपल नोज के आपकी साइड्स फिक्स्ड होती हैं, यू नो, एक साइड आपकी होती है, एक आपके हस्बैंड की होती है. तो खैर हम अपनी अपनी तरफ जाके सो गए और अराउंड कोई फजर के वक्त या फजर से थोड़ा पहले सडनली मेरी आँख खुली एंड आई सॉ, और जाहिर है आप कमरा लॉक करके ही सोते हैं, ऐसे तो कोई नहीं सोता कि खोल के सो जाए. तो खैर एनीवे मेरी आँख खुली और ऐसी मेरी नज़र पड़ी तो वो दरवाज़ा मेरा खुला हुआ. आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक ये क्या बात है, यू नो, घर में इतने लोग हैं, दरवाज़ा खोल के तो हम नहीं सोए थे, मिन्हाज ने लॉक किया था एंड आई रिमेम्बर ही लॉक द रूम. तो मैंने वहीं से लेटे लेटे मिन्हाज को उठाया, मैंने कहा लिसन ये दरवाज़ा खुला हुआ है, जाके बंद करें, इट डजंट लुक नाइस, यू नो, वी आर स्लीपिंग लाइक दिस. खैर तो मिन्हाज ने कहा सना दरवाज़ा तो मैंने लॉक किया था. मैंने कहा एग्जैक्टली दरवाज़ा तो आपने लॉक किया, तो ये कैसे खुला? तो हम इस कॉन्वर्सेशन में थे तो ही गॉट अप, ही लॉक द रूम एंड देन वी सडनली रियलाइज कि हम दोनों की जगहें भी स्विच हुई हुई है. अच्छा ये हमारी थोड़ा अलार्मिंग था क्योंकि मैं अपनी जगह के बारे में बड़ी सेंसिटिव हूं, इवन मिन्हाज इज वेरी सेंसिटिव बिकॉज मिन्हाज के पास गैजेट्स होते हैं, तो वो चार्जिंग और मिन्हाज की वो जो मैकबुक और ये मैकबुक वो सारी चीजें उन्होंने वो एडिट चल रही होती थी ना साइड टेबल. एग्जैक्टली. तो आई वाज लाइक ये क्या हुआ, मतलब हाउ कम यू आर मेरी जगह पे और मैं आपकी जगह पर हूँ? तो उस वक्त हम दोनों बैठ गए, हमने कहा ये हुआ क्या, ये दरवाजा कैसे खुला और ये हमारी जगहें कैसे स्विच हुई? खैर हमने थोड़ी कॉन्वर्सेशन की एंड वी वर लाइक चलो अभी सो जाते हैं, वी विल डिस्कस इन द मॉर्निंग. अब सुबह उठे तो एक अलग ही कहानी थी. मिन्हाज की नानी आई, ये तुम लोग क्या करते हो? मैंने कहा क्या हुआ बड़ी अम्मी? अच्छा मिन्हाज आप उठ चुके थे, आप आई थिंक नाश्ता कर रहे थे, तो वो मेरे पास आई. अच्छा वो मुझे डांटती थी, शी वॉज अडोरेबल, यू नो, शी वॉज वेरी स्वीट. तो वो मुझे बड़े फनी तरीके से बात करती थी, तो मुझे कहती है तुम लोग को शर्म नहीं आती, इतनी इतनी रात हो जाती है, तुम लोग घर पे नहीं होते, कोई तरीका ही नहीं है, ये वो. मैंने कहा नहीं बड़ी अम्मी, कल तो हम जल्दी आ गए थे. कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, फजर के वक्त मैं उठ के तुम्हारे कमरे में आई हूँ और वहाँ हमजा सो रहा था, मैंने हमजा से पूछा कि भाभी कहाँ है और भाई कहाँ है, तो उसने कहा वो तो अभी तक आया ही नहीं है. जल्दी आ गए थे तो उसके बाद ये हुआ कि वो मुझे डांट रही डांट रही. मैंने कहा नहीं बड़ी अम्मी, आई स्वेयर हम जल्दी आ गए थे, हम कल तो हम बहुत ही जल्दी आ गए थे, मेरी शूट भी जल्दी पैकअप हो गई थी. तो मिन्हाज के इस बात पे एंड नाज खड़े हो गए, बड़ी अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? एंड बड़ी अम्मी वाज लाइक मैं सही बता रही हूँ, मैं उठी थी फजर पे. अच्छा बड़ी अम्मी वाज वेरी रिलीजियस, मिन्हाज नानी, एंड वो मतलब हर वक्त उनका मुंह और उनकी तस्बीह ना चलती रहती थी. एंड आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच अ ह्यूमन बीइंग, यू नो, इतनी मतलब शी वाज सो ब्यूटीफुल बिकॉज़ शी वाज वेरी रिलीजियस, एक नूरानी चेहरा होता है ना, शी वाज ब्यूटीफुल. तो वो ठीक ठाक उनसे मुझे तो झाड़ पड़ चुकी थी, अब मिन्हाज उनको लेके बैठ गया, आप क्या बातें कर रही हैं, आप नींद में देखा होगा. कहती है नहीं हो ही नहीं सकता, उनकी कभी नमाज कजा हुई ही नहीं. तो वी वर लाइक हाँ ये तो एक अजीब सा सीन हुआ था हमारे साथ. उसके बाद क्या हुआ था, व्हाट डिड शी से? उन्होंने कहा था कि मैं कमरे में आई थी, कह रही थी मैं वॉशरूम जा रही थी, वॉशरूम जाते हुए मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला हुआ है. अच्छा मेरी नानी जो ना वो किस तरीके से पहचानती थी कि हम लोग घर आ गए आ जाते थे, वो ये नहीं देखती थी कि दरवाजा खुला या बंद है, वो देखती थी कि हमारे जूते बाहर हैं कि नहीं. Really? हाँ तो कहती है कि मैंने देखा नीचे तुम लोग के कमरे के बाहर जूते नहीं थे और दरवाजा खुला हुआ था. तो कहती है मैं जरा देखने गई कि क्यों अभी तक आए नहीं है कि नहीं आए. कहती मैंने झांक का अंदर तो हमजा लेटा हुआ था और कह रही शॉर्ट्स पहना हुआ लेटा हुआ था हमजा. अच्छा और वियर्ड बात कि ये सारी चीज जो है वो सेम टाइम पे हुई है, मीनिंग जो मेरे साथ हुआ कि वो दरवाजा खुला हुआ था एंड we were you know on opposite sides aur badi ammi ka hamza ko wahan dekhna it was all at the same time so ye thoda freaky tha is pe bhi maine badi koshish ki ki main koi explanation nikalu lekin mujhe aaj tak nahi mili because I love finding chalo main usko ye soch leta hu ki hum log bahut gehri neend mein the
मैं शायद दरवाजा लॉक करना भूल गया, ऐसी गहरी नींद हो ही सही है ना? हो सकता है कि हम सोए, हम गहरी नींद ना हो, हम सोए ऐसे ही हो सकते हैं, तस्वीर कर लेते ना एक सेकंड की। कैसे कर सकते हैं जब एसी चलेगा तो कमरा क्यों खुला होगा? समझ नहीं, दरवाजा खुला हुआ हो सकता है, वैसे लॉक नहीं किया हो, सही है ना, लगाए वैसे लॉक ना किया, हाँ जो ऊपर कुंडी होती है वो नहीं लगाई, दरवाजा भेड़ा हुआ हो और मैं उस जगह पे सो गया हूँ। अक्सर मेरे तुम्हें पता है नींद का क्या होता है, यूं आ जाती है अचानक से, सही है। मैं हमने तस्वीर कर लिया कि मैं उस साइड पे सो गया तो मैं साइड पे सो गई, प्रॉब्लम जो शुरू होती है वो होती है कि बड़े मी, और वो दरवाजा कैसे खुला तुम कहोगी, सकता है बड़े मी आई हो, बड़े मी ने दरवाजा खोला हो, बड़े मी को हल्का सा खुला हुआ नजर आया था ना दरवाजा, अभी तो उन्होंने खोला होगा दरवाजा। लेकिन हैरत की बात ये कि बड़े मी ने उधर हमजे को कैसे देखा, मैं और तुम सो रहे थे, एंड शी स्पोक टू हिम, और उससे बात नहीं, रिमेंबर शी स्पोक टू हिम, और हमजा बराबर वाले कमरे में सो रहा था, और हमजा बेहोश होके सोता है, हां मेरा भाई, हां वो अपने कमरे में ही सोता है और वो बेहोश होके सोता है, मतलब ये, हां ये सिचुएशन जरा ऑफ थी। तुम्हारे अब्बा के साथ भी तो एक वाकया हुआ था। अच्छा, एवरीबॉडी नोज दैट मेरा ताल्लुक बिहार से है, तो ये एक वाकया जो मेरी फुप्पी ने, जो व्हेन आई वेंट टू इंडिया देन शी टोल्ड मी, तो ये गांव का वाकया, ये बहुत स्केरी था। तुम इंडिया गई थी अपनी बचपन में? हाँ, पहली दफा, फर्स्ट टाइम। हाँ, तो मेरी कौन से गांव में हो इंडिया के, ये तो बताओ ना, वहां पे इंडिया की भी बिजनेस है ना, अगर वहां पहुंच गए लोग, कोई नहीं, वहां लॉकडाउन लगा हुआ, कोई नहीं, नहीं तो मैं बेसिकली, मेरे वालिद साहब का ताल्लुक जो है वो बिहार से है, और अरे बिहारी हैं आप, अरे बिहारी, आई नो, दैट्स व्हाई यू आस्क्ड मी टू टेल देम, अरे ये बोलते कम गालियां ज्यादा देते हैं, मैं पाकिस्तानी, अच्छा मैं पक्की पाकिस्तानी हूं, नहीं किडिंग। सो मेरे अब्बा का जो ताल्लुक है वो बिहार से है, बिहार में एक और जगह है पटना, वहां पे एक गांव है काको, वहां से मेरे अब्बा का ताल्लुक है, सही है। सो हम चले गए वहां, और रात को जो है वहां पे जाहिर है सारे मर्द जो है गांव में वो चारपाइयों पे सोते होते हैं, बाहर सोते हैं, चारपाई पे तो सोते, सभी सोते हैं, सोते होते हैं बाहर, सोते हैं बाहर, मीनिंग जीने में, किधर, कमरे से बाहर, हां सहन में, सहन सहन या चारपाई पे सोते हैं, सब बाकी औरतें क्या टॉयलेट में सोती रह गई। ओके, सो वो मर्द सारे बाहर सोते हैं और औरतें जाहिर है सारी अंदर सोती हैं, पर्दे का खास ख्याल रखते हुए। तो एनीवे, तो मेरी पुप्पो जो है वो जो सबसे बड़ी पुप्पो हैं, शी मतलब शी प्रिटी ओल्ड नाउ, तो एनीवे उन्होंने हमें सारों को बिठा के उन्होंने एक वाकया सुनाया। तो गांव में जो है ना वो बेसिकली थोड़ी दूर पे उन्होंने एक नया घर लिया और वो अपने बच्चों समेत वहाँ मूव होने की उन्होंने प्लानिंग की। तो खैर वो वहाँ मूव हुए और सारा कुछ हुआ, एंड आई थिंक फर्स्ट नाइट ही हो गया था कि यू नो उनके बर्तन गिरना शुरू हुए और ये सारा कुछ हुआ। लेकिन जो स्पूकी पार्ट था वो ये था कि उनकी बच्ची को उठा के ले गया था कोई, उनकी बेटी को। पापा हैज टोल्ड यू दिस स्टोरी राइट? नहीं? ओके, तो उनकी बच्ची को कोई उठा के ले गया था, एंड जिसपे मैं बहुत हंसी थी, बिकॉज यू नो मुझे फेक लग रहा था कि ये क्या होता है। वो तो जब मेरे साथ वाकया हुआ तो देन आई रियलाइज कि नहीं भाई ये तो होता ही है। सो एनीवे उनकी बेटी को कोई उठा के ले गया और उन्होंने फिर डिमांड कर दी कि आप ये एरिया छोड़ें, उसके बाद आपको बच्ची मिलेगी। खैर वो सारा कुछ हुआ तो मेरे पप्पा के साथ बहुत बुरा हुआ कि यू नो ही वाज हैविंग, तुमने वाकये से ही नहीं सुनाया, बच्ची उठा के ले गया बस, क्या कबाड़ी लेके गए थे? मतलब वाकई का इंटरेस्ट, मैं लोगों को बोलता हूँ वाकई का सारा इंटरेस्टिंग बनाए, बोले मजेदार मजेद, हाँ वहां जिंदे बच्ची उड़ा के ले गए, अबे कबाड़ी है क्या, कचरा लेके जा रहे थे क्या? इतनी बेइज्जती आवाम के सामने, देखा कोई नहीं हुआ ऐसा, ड्रामा है ये सब, झूठ बोल दिया। अच्छा सही तो बता, अच्छा सॉरी चलो बता, मैं अभी जब भूल जाता हूँ कि हर कोई नहीं बता सकता। हो गया ना, बताओ चौक हो गया ना, आगे बढ़ो, क्यों आ जा रही फजूल कैसी? एनीवे तो वो उनकी बच्ची को उठा के ले गए थे, लेकिन
अच्छा भाई, हुआ ये कि एक उन्होंने नया घर लिया, उस घर के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी, ये लोग जाके शिफ्ट हो गए, पता ये चला कि उस घर में उनके अलावा भी कोई मखलूक रहती है, और वहां पे किसकी पप्पो की बच्ची को, पप्पो की चाची चाचू की, पप्पो की बच्ची एक रात गायब हो गई, तो वो गायब हो गई होगी ना, ऐसे हुआ होगा ना, ये थोड़ी के हैंड्स अप बच्ची दे दो हमारे हवाले कर दो, जी जिन साहब ले जा बच्ची बच्ची गायब हो गई होगी, उन्होंने ढूंढा होगा नहीं मिली होगी, उसके बाद पता चला होगा कि भाई बच्ची जो है वो जिन साहब ले गए, तो फिर मुकमुका हुआ उनका के बच्ची हमारे हवाले कर दो हमने तुम्हें चादर से घेर लिया है, बच्ची हमारे हवाले कर दो यार सरा यार तूने क्या कर दिया यार, मैं भाई क्या कर दिया, गाइस आई एम सो सॉरी। चौधरी नुमान पूछ रहे हैं कि ये कॉमेडी शो है या हॉरर शो है, पप्पो आ गई, फन पप्पो, सॉरी सॉरी मिस्टर नुमान, हॉरर शो कर रहे, कॉमेडी शो कर रहे, दोनों मियां बीवी बैठ गए, सॉरी यार, पप्पो छोड़े आप, पप्पो परेशान ना हो, पप्पो अच्छा खैर बताओ क्या हुआ, अब मैं नहीं बता सकती, नहीं नहीं बताओ ना, मोमी भी सुन रहा है हमारे शो, हाय मोमी, ये बनोत्री के हैं, पूरे थिंग स्टिल स्टक, बनोत्री वाले हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पे सुन रहे हैं, पता है सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, एवरीबॉडी इज लाफिंग, किसी की हिम्मत ऐसी की तैसी, लुक एट द लाफ, नहीं किसी की ऐसी की तैसी, मेरी बीवी का कोई मजाक उड़ाए, आप नहीं उड़ा रहे, मैं उड़ा सकता हूं, मैं तो उड़ा सकता हूं, मेरे पास तो है ना राइट, खैर चले अच्छा चलो अब थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और लोगों को शामिल करते हैं, क्योंकि लोग भी तुमसे आई एम श्योर बात करना चाह रहे हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये सना की कि सना सोशल मीडिया पे है नहीं ज्यादा, इतनी मुश्किलों से सना जो है ना वो इंस्टाग्राम पे आई है, मेरे कहने पे, हजार लोगों के कहने पे, पता नहीं कौन कौन सा एक्टर पीछे पड़ गया इसके, क्या इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आ तो गई, अब वहां पे पोस्ट भी तो करना होता है ना, पोस्ट भी नहीं करती है, पता नहीं कब कब करती है, बिल्कुल शौक नहीं है, तो आई एम श्योर आप लोगों के लिए आज ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोगों ने इनसे बात करनी है तो करें, अच्छा जी शामिल करते हैं, किस किस को शामिल करें, आदिल खान को, आदिल खान आप अपना वॉल्यूम खोल लें, हाँ जी हेलो हेलो आदिल आदिल हाय आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, अरे अदील आपकी आवाज ही नहीं आ रही, अदील आपकी आवाज ही नहीं आ रही, दोबारा से ज्वाइन कर लेगा, सचिन सचिन अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपना माइक ऑन कर लें प्लीज, सचिन भी नहीं है, अली बाबा मोनी खान किसको शामिल करें, हाँ अली बाबा को कर लेते, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम अली बाबा, क्या नाम है आप, अली नाम है, मेरा नाम अली जान है, अली जान है, अच्छा चले मैं तो बोल सकता हूँ अली जान, बेगम के लिए माजरत पहले से कि बेगम नहीं बोल पाएंगी अली जान आपको, मैं पहली बार देख रहा हूँ आपकी बेगम को, अच्छा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनके ड्रामे नहीं देखे, नहीं मैं अभी अभी आया हूँ यूट्यूब पे, मैं नहीं यूट्यूब पे अभी आया, टीवी नहीं देखा, मुझे लगा आप कह रहे मैं अभी अभी पैदा हुआ, अबे यार तुमने सारे इसके ड्रामे देखे, इसकी तो एक जमाने में ना इतने आती थी, इतना आती थी, घर में कम आती थी, टीवी पे ज्यादा आती थी, मैं बस हर वक्त आपका शो ही देखता हूँ, अच्छा अच्छा आप किधर से ताल्लुक है आपका, मैं अटक से, इधर छोटा सा शहर है जान उधर से, अच्छा तो कोई वाकया पेश आया आपके साथ, वाकया ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन जब से आपका शो देखता हूँ ना तो ऐसा होता है कि रात को जो किचन में नहीं है तो बर्तन वगैरह नहीं है, वो हिलने की आवाज आई थी दो बार, बर्तन हिलने की आवाज आई, हाँ एक बार आई है, फिर मतलब मैंने इग्नोर किया, दो दिन के बाद फिर इस तरह शुरू हुई, मुझे लगा कि यार चूहे वगैरह होंगे, लेकिन फिर अम्मी ने मुझे उठाया कि यार ये क्या है चूहे वगैरह है, मैंने कहा शायद चूहे वगैरह, लेकिन हम दोनों ने देखा तो बर्तन वगैरह नीचे पड़े हुए थे और वहाँ कुछ भी नहीं था, तो चूहे होंगे ना, चूहे बर्तन गिरा के भाग गए होंगे, लेकिन मिनाज भाई वहाँ चूहे कैसे होंगे, हमको अपने घर का पता है चूहे किधर से आ गए,
अरे चूहे भाई, भैया हर जगह बगैर हड्डी के होते हैं चूहे, आपको पता है चूहिया होती है बगैर हड्डी की होती है, वो कहीं से भी घुस जाती है, कहीं पे भी घुस जाती है, कहीं में भी घुस जाती है वो। और एक बार ऐसा हुआ था कि गांव में ईद का माहौल था और रात के कोई 11 बज रहे थे, सारे इकट्ठे हुए थे बाहर, मतलब गर्मियों के दिन ना तो सारे बाहर थे सैन में। तो मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था अंदर कमरे में, वो बड़ी सी, मतलब आपको पता है कि गांव में सही बड़े बड़े मकान होते हैं। तो मैं अपना मोबाइल लेने के अंदर गया, तो कमरे में गर्मी थी, कोई भी नहीं था कमरे में, सिर्फ मैं अंदर गया हूँ। तो साथ एक दूसरा कमरा था, तो उधर से जैसे ना कोई दुल्हन सी लड़की का, जो जब वो चलती हैं तो वो उसका जो जेवर वगैरह की आवाज़ आ रही होती है, उस तरह की चंचन। आवाज़ आई है ना, हाँ वही चन चन वाली। तो मुझे लगा मेरी कज़न है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम हो, तो रिप्लाई कोई नहीं आया। मैंने फिर अपने मोबाइल के साथ लग गया, फिर मैंने मोबाइल अभी मतलब चार्ज से रिमूव किया और वापस जाने लगा, तो फिर आवाज़ आई है ना। मैंने कहा यार देख ले तुम, क्या पता कौन है कमरे में। तो अंदर देखा तो अंदर पिच डार्कनेस और कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं था। अच्छा और ऐसे भी नहीं है ना कि कमरे में साथ कोई और हो, वहां कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं था। ओके चले, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया अली, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, वेलकम। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी यार, असल में मुझे ना, मुझे लंबा कॉलर चाहिए था कि मैं ब्रेक पे जाऊं। सचिन, हूँ सचिन को, या सचिन से बात कर, एक से, अच्छा एक सेकंड जरा, जो सचिन को भी लेते, सचिन साहब एक सेकंड रुकिएगा, जो लोग हमें सुपर स्टिकर सुपर चैट भेजे उनका नाम शामिल कर लेते हैं। हलीम लीत, लीत ही होगा ना, थैंक यू एंड डबल ए, माशाल्लाह ऐसे ही अल्लाह खुश रखे, आमीन। थैंक यू। थैंक यू, हमें थोड़ी कह रहा है, चैट को कह रहा है। अच्छा भाई कह एनीथिंग। रहे हैं, थैंक यू डबल ए। डबल ए में ना मेरे वो हैं रेगुलर कंट्रीब्यूट करने वालों में से है, और किसी और का नाम मिस आउट तो नहीं हो रहा है भी। अच्छा सैड वेलवेट, योर वाइफ इज सो प्रेशियस, आई एम। ये क्या है, ओबी टोटो, गंदी फिल्मों का हीरो। सॉरी यार मजाक कर रहा था, मेक अ शॉर्ट हॉरर फिल्म और समथिंग। बेगम आपके पास बहुत पैसे हैं, लिसन, आस्क हिम टू डायरेक्ट मी, ही इज वेरी गुड एट इट। नहीं तो बेगम आपके पास बहुत पैसे, अच्छा मतलब मैं लगाऊं, मुझे लगा आप प्रोड्यूसर, कह रहे हो कि सना आपको करनी चाहिए। आप प्रोड्यूसर बने, पैसे हाँ लगाएं, इन्वेस्ट करें, हम बनाएंगे एंड ओबी यू आर गोना टोटो। कास्ट मी राइट? वो कास्टिंग पे ऑफ डिपेंड करता है, कोर्स। नहीं वो तो कास्टिंग पे डिपेंड करता है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता कि आपने पैसे लगाए तो हम आपको ले लें। ऐसे तो होता टैलेंट है, टैलेंट सब टैलेंट बड़े एक्टर्स ना यही करते हैं। टैलेंट पे होता है सारा। इनको देखो जरा यहाँ पे, ये हशमत मिर्जा, कम आफ्टर द शो, हाय हैश। सारा ताऊ भी देख रही है, सारा भी देख रही है सारा। यार, सारे दोस्त हमारे देख रहे हैं, बड़ा चेजा होने वाला है। अच्छा जी भाई, सचिन तो गायब हो गए, सचिन शक्ल आ रही थी अच्छी खासी, सचिन कहाँ गए? हेलो आ गए भाई सचिन भाई, हेलो हाय, सचिन, हेलो, स्पीकर, सचिन आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं इंडिया से कॉल कर रही हूँ। इंडिया से कॉल कर रहे हैं आप? इंडिया से किधर से कॉल कर रहे हैं? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही, थोड़ा ऊंचा बोले। आपके पास मैं पहले भी कॉल कर चुका हूँ। पहले भी कॉल कर चुके हैं? अच्छा, मैंने आपको एक वो छत वाला किस्सा बताया था कि जिसमें जो पांच लोग खड़े थे, उसके अब सचिन साहब आपको पता ही में होगा बताया कि था, याद मेरी नहीं होगा सब मेरी तो। मेरी मेमोरी आपको पता है, ये सिर्फ एक ये सवाल है जिससे मेरी जान जाती है, कसम से मेरे सामने चुड़ैल भूत कुछ भी आ जाए, बेगम गुस्से में भी आ जाए ना, मेरी जान नहीं जाती, सिर्फ इस एक सवाल से जान जाती है कि आपको याद है मैंने कॉल की थी, बस वहां मेरी मौत हो जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये है कि हैप्पी बर्थडे। हैप्पी थैंक बर्थडे यू। जनाब बेगम, बात आप जरा आई कैन हियर सुनो। हिम। हाँ अच्छा सचिन साहब, आप कोई वाकया बताने वाले हैं? यस, एक वाक्य बताने अच्छा वाला हूँ।
बताइए चले, क्योंकि मुझे जरा अब मैं तो अब चला ब्रेक पे। जी बताइए। एक बार क्या हुआ कि हम लोग ऐसे थे कि हम रहते थे एक छोटे घर में रहते थे, तो वहाँ पर ऐसा हुआ था कि हमारी एक रिलेटिव को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं कमरा बंद कर सकता हूँ, मैं तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल। जी 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 बिल्कुल। और अगर आपको पंखा चल रहा है, पंखे को भी बंद कर दें, पता है थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा हुआ था कि हमारे एक रिलेटिव है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने किसी को बुलाया था, लाइक आरएम समथिंग लाइक दैट। तो उनको बुलाया तो उनका इलाज हुआ था हमारे घर में, तो वो दूर के हमारे रिलेटिव थे, तो उनका इलाज हुआ हमारे घर में, वो बहुत छोटा था। तो तब वो इलाज होके सब खत्म हो गया और वो लोग चले गए, और कुछ टाइम बाद मैं ऐसे ना टॉयलेट के लिए बाहर गया था। तो हमारा घर ऐसा था कि बाहर टॉयलेट हुआ था। सही। तो मैं बाहर की तरफ गया, जैसे तो मैंने वहाँ पर किसी को देखा, तो वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ पर कोई खड़ा था, तो वो मुझे ना ऐसे कह रहा था कि चुप हो जाओ, इशारा कर रहा था, बोल रहा था। नहीं, वो खड़ा हुआ था और मुझे सिर्फ घूर रहा था, और ऐसे उंगली दिखा के नहीं कहते हैं जैसे कि चुप हो जाओ, तो वो चुप हो जाओ, मेरे को लगा चोर है। तो मैं चुप हुआ, मैं फारिग हुआ और मैं वहां से गया वापस चुपचाप। और मैंने घर वालों को बताया, घर वालों ने बाहर से कितना देखा तो कोई भी नहीं था वहां। फिर मैंने उसका होलिया बताया घर वालों, लेकिन घर वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं। कुछ टाइम बाद लाइक आज ही अभी थोड़ी देर पहले मेरी मॉम मेरी बराबर में बैठी है। क्या? मेरी मॉम मेरी बराबर में बैठी है, आपको बहुत बड़ी फैन है, मतलब सना की एक्चुअली बहुत बड़ी फैन है। तो मैं इंडिया से सारू पांडी आपको हाय कर। तो वो उनको मैंने अभी थोड़े पहले आपका डिस्कशन चल रहा था, तो हमारा भी डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने उनको बताया कि मम्मी मैंने ऐसे देखा था कि यार वो ऐसे से खड़ा, तो कहीं मम्मी मैंने तो सपने में देखा था ऐसे आदमी को, और वो सिर्फ सेम एक काला आदमी था। और वो एक तहमत जो होता है ना, वो तहमत पहनते हैं, आपको पता होगा, एक कपड़ा सा होता है वो बांध लेते हैं अपने नीचे की तरफ, और एक बनियान सी पहनते हैं शायद। सही है, जांगिया जांगिया टाइप की पहनते हैं ऊपर, और उस तरह का आदमी था वो, बिल्कुल ब्लैक था। सही। और वो मुझे वैसे ही दिखा था, और मम्मी को भी दिखा, और मेरे छोटे वाले भाई को भी दिखा, एंड दे आर अभी वो टेरिफाइड है कि हाँ भाई तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया। और माय मॉम इज लाइक, तूने अभी हमें क्यों नहीं बताया था। ये मैं एक्चुअली अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपको शो दिख रहा है लाइव राइट नाउ, सब लोग हम बैठ के। और ये कब की बात है? ये है 2001 की बात। 2001 उनकी इलाज के बाद, और वो मुझे हमेशा दिखाई देता था सपनों में। अरे मम्मी मुझे तो ऐसा आदमी मैंने सामने देखा आपने, और सामने देखने के बाद वो कह रही थी कि नहीं मुझे तो ऐसा देखा, तो मेरे ब्रदर ने बोला कि हाँ मुझे तो मैंने भी देखा है वो। अच्छा, मेरा ब्रदर है वो, उसके पास तो बहुत खतरनाक किस्से हैं, और ही इज लाइक, मतलब उसने बहुत किस्से ऐसे देखे हैं। मेरे फैमिली में बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं,
मैं आपको धीरे धीरे कभी बताता जाऊंगा। मैंने वैसे भी पहले भी मैंने आपको एक किस्सा बताता, हाँ मैंने आर्किटेक्ट, तो मैंने ऐसे बहुत सारी साइट्स पे ऐसे किस्से देखे। एक साइट पे ऐसा हुआ था कि एक मजदूर गिर गया था और हम लोग बहुत परेशान थे, बट वो मजदूर क्यों गिरा था उसकी भी बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास। चलें फिर वो किसी और दिन हम बात करेंगे बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। एंड सना थैंक यू, माय मॉम इज योर बिगेस्ट फैन एंड माय सिस्टर इज योर बिगेस्ट फैन एंड दे वॉच योर शो ऑन YouTube बिकॉज इंडिया पाकिस्तान मतलब पाकिस्तानी शोज हमारे यहाँ पर एक चैनल पे आते हैं, बट वहाँ से फैन बने और पाकिस्तानी शोज को देखते हैं हम लोग एंड यूट्यूब पे देखते हैं, दे आर बिगेस्ट फैन यू के। उनकी वालदा और उनकी बहन बहुत बड़ी फैन थी आपकी। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। चलें जी, किसको लें? मीर, मीर हमारे साथ है, मीर को लेते हैं भैया। आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मीर। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई एंड मिसेस मिनाज। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। नहीं, सिर्फ इस वजह से नहीं, आज ऑब्वियसली इट्स अ स्पेशल स्ट्रीम दैट शी इज हियर एंड आई एम अ रेगुलर लिसनर एज वेल एंड रेगुलर कॉलर एज वेल, बट यू गाइस लुक रियली गुड टुगेदर, माशाल्लाह। अल्लाह नजर बच्चे बच्चे। अच्छा, एक अगर आप इजाजत दें, हम इस उम्र में आ गए, हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नजर भी नहीं लगती शक्लें इतनी, अल्लाह ना करे कभी नजर भी नहीं लगती, नहीं अल्लाह ना करे कि कभी लगे, बिकॉज यू गाइस आर स्माइलिंग टुगेदर लाफिंग टुगेदर एंड ये जो दूसरों की इन्हीं चीजों पे नजर लगती है, तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे हमेशा। अच्छा, एक अगर आप लगाई ना घर से उठवा लूंगा, किसी ने भी नजर लगाई तो मैं बता रहा हूँ सुबह लड़े जिस। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं भाभी से एक 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 ऐसा सवाल पूछूं जो एक पर्सनल भी है बट एक प्रोफेशनल सवाल भी है, अगर आप इजाजत दें, बिकॉज इट्स अ हॉरर शो। पूछे यार, अच्छा, क्या होगा? अच्छा, सवाल ये है भाभी, बिकॉज यू आर ऑल्सो मैरिड, यू आर प्रोफेशनल एंड यू हैव अ सन एज वेल एंड माय वाइफ इज ऑल्सो प्रोफेशनल, बट सिंस वी गॉट मैरिड she quit her job, she came with me to the country where I live and after that she conceived and then we have a son right now. She ye inhone jo hai abhi tak apna career dobara se rejoin nahi kar paye because responsibilities aisi hain. Aap logon ne kaise manage kiya being a couple, how you managed? Thanks to him. No, but what are the things for us, because thanks to our parents. हमने एक रूल ये रखा हुआ था कि हम कभी नैनी नहीं रखेंगे फॉर नायर, सो हमने बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी, मीनिंग यू नो व्हेन आई वर्क देन ही इज होम, इफ ही इज वर्किंग देन आई एम होम, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ काम और लास्ट दो साल से तो आपको पता ही है दुनिया बंद है, सही है, तो वर्क फ्रॉम होम हो गया था, मेरा रेडियो चल रहा था और वो भी वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में ऑब्वियसली सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, तो रेडियो भी बंद हुआ था थोड़े दिन के लिए, लेकिन मैं रेडियो जाना शुरू हो गया था। लेकिन थैंकफुली जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया और माशाल्लाह से इतने सारे लोग अचानक से आ गए, थोड़ा सा पैसा बनना शुरू हो गया, तो फिर हमने ये मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं घर के अंदर ही स्टूडियो बना लूँ, ताकि मेरा कम से कम बाहर जाना वैसे ही कम से कम हो रहा था, तो मैंने कहा इस काम इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाऊँ, बजाय इसके कि मैं घर में फारिग बैठ के एक दूसरे की सिर्फ शक्लें देखें या कब तक नेटफ्लिक्स देखेंगे या कब तक ये सोचते रहेंगे कि अब क्या होगा आगे और ये और वो, तो अल्लाह शुक्र है स्टूडियो बन गया। सना का जो काम है वो है अनफॉर्चुनेटली ऐसा कि उसको बाहर जाना ही पड़ता है, तो
सना शूट कर रही होती है। मैंने काफी टाइम पहले ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक्टिंग शायद उस तरीके से ना कर पाऊँ जिस तरीके से सना कर रही होती है। एक के बाद एक प्रोजेक्ट मुझसे वो चीज़ नहीं हो रही थी, ना अच्छे कैरेक्टर्स मिल रहे थे फ्रेंकली स्पीकिंग, कि ऐसा लग रहा हो कि कोई इंडस्ट्री जो है ना मेरे लिए भूखी बैठी है कि मिन्हाज साहब आएंगे तो ड्रामा चलेगा। मिन्हाज की वजह से कोई ड्रामा नहीं बनता था, सना की वजह से तो फिर भी बन जाते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है ना, तो जब जहाँ इम्पोर्टेंस ना हो तो उस पर फिर थोड़ा सा आपको किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। तो मैंने फिर रेडियो पे ज़्यादा फोकस किया। फॉर्चुनेटली मेरा जो रेडियो पे काम करने का टाइम था वो रात 10-11 बजे के बाद था, उस वक्त तक सना आ चुकी होती थी। तो आधा टाइम नायल के साथ मैं होता हूँ, फिर आधा टाइम सना होती है, और फिर अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मेरा आ जाए जिसमें मुझे कंसेक्यूटिव 10-12 दिन काम पे जाना होता है तो फिर सना की छुट्टी होती है, और जब सना की शूट चल रही होती तो मेरी छुट्टी होती है। और अब थैंकफुली जब स्टूडियो बन गया है तो फिर अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। अब और नायल मेरे साथ हो या सना के साथ हो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, ये है। और मैंने कभी सना को काम से रोका भी नहीं। मतलब मैं कौन होता हूँ, ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है कि हमने इजाजत दी अपनी बेगम को काम करने की। भाई इजाजत, हम कौन होते हैं इजाजत देने वाले। दो लोग एडल्ट हैं, उनका अपना डिसीजन, मेरा अपना डिसीजन है। मैं बाहर निकलते वक्त सना से थोड़ी पूछता हूँ कि मैं बाहर चला जाऊं, सना ने इजाजत दी थी तो मैं चला गया, नहीं दी तो नहीं गया, ऐसा थोड़ी होता है। क्या बातें कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकली करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट। Thank you so much for answering that question and really nice. And you guys were lucky that you both had different timings for the job. Now I'll start the vakya. ये वाकया जो है ये मेरी कजन से रिलेटेड है और ये मेरे बहुत बचपन का वाकया जो कि मैंने अपनी बहनों से और अपनी वालदा से सुना। मेरी कजन जो थी बकौल जो ज्यादातर मेरी बहनों ने उनको बहुत करीब से देखा हुआ है, मैं तो बहुत छोटा था। एंड शी वॉज रियली प्रिटी व्हेन शी गॉट मैरिड। शादी के बाद उनकी तबीयत खराब रहना शुरू हो गई विदाउट एनी मेडिकल रीजंस। दे ट्राइड एवरी बिग हॉस्पिटल to check that what's wrong with her. She used to get fits and she used to get like dizzy, बेहोश हो जाती थी वो, और whenever her husband used to come close to her, like even sitting together, she used to had some problem with him na. And they both were really smart and good looking. तो समझ से सबके बाहर हो गया कि ये हो क्या रहा है, like there is no medical reason and what's going wrong. और ऐसा भी नहीं था कि आप कह लें कि जी पसंद से शादी नहीं हुई तो इसलिए वो एक्टिंग कर रही है या जो भी है। अब जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई तो वो अपनी अम्मी की तरफ आ गई। देन समवन टोल्ड देम टू चेक, लाइक किसी आलिम से चेक करें, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। एंड अभी वो चेक करने के बारे में सोच ही रहे थे कि उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जब वो लेटती हैं बेड पे तो उनके पीछे भी कोई चीज लेटती है, जैसे कोई चीज नहीं प्रेस होती तो बेड प्रेस हो जाता है, तो आगे और पीछे की तरफ से बेड प्रेस होना शुरू हो गया। कोई साथ नहीं लेटा हुआ लेकिन ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कोई लेटा हुआ है साथ। ये होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद उनके टांगों पर और हाथों पर कट्स के निशान, जैसे कोई नहीं छुरी से चिकन पे आप कट लगाते हैं लेकिन वो तो बहुत डीप कट होता है ना, बड़ा प्रोफेशनली से ना हल्के हल्के कट्स, और पूरे बाजू पर और पूरी टांगों पर ऐसे पतले पतले कट्स लगे हैं। अब ये कोई खुद वो कोई इंसान नहीं कर सकता इस तरीके से। वो रात को सोती थी, सुबह होती थी तो ऐसे कट्स होते थे उनके जिस्म पे जगह जगह। अब जब आलिम से चेक किया, आलिम से मुलाकात हुई, बहुत सारे आलिम से मुलाकात हुई, सबने अपनी अपनी स्टोरीज बताई। जो आखिरी जो आलिम थे उन्होंने बताया कि ये जहां से इनकी बारात गुजरी है लास्ट मोमेंट्स पे, जहां कह लें कि जो लड़के का घर है वहां पे कुछ तावीज दफन थे जिसका अफेक्ट इन पे हुआ है, और जो उन तावीजों के जरिए जो जादू करवाया जा रहा था या जिन जिन्नात को छोड़ा जा रहा था वो जिन्नात इनसे अटैच हो गए, जिसको हम आम हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि जिन आशिक हो गया। इस तरह का सिनेरियो उनके साथ हो गया कि वो जिन इनके साथ अटैच हुए और इनकी शादी तोड़वाने के लिए अटैच हो गए। दे वॉन्टेड टू टेक हर विद देम, एंड उन आलिम ने जो है वो बड़ी मुश्किल से कह लें कॉन्ट्रैक्ट किया, जो भी किया। एट द एंड
जो रिजल्ट निकला कि उनकी डिवोर्स करवाई गई, उसके बाद ही वो जिन उनको छोड़ के गए हैं, और उसके बाद अभी तक मेरी कजन की शादी नहीं हुई। और इस सिचुएशन को छोड़ के चले गए जी, जब वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ लास्ट में, जो आलम साहब ने समझ लिया कॉन्ट्रैक्ट जो किया उन जिन्नात से, वो पहले तो जाने को तैयार नहीं थे। वो कहते हम इसको साथ लेके जाएंगे और हम इन दोनों को साथ भी नहीं रहने देंगे। तो एंड में मजबूरन उस लड़के ने डिवोर्स दी, तब वो जिन्नात इन्हें छोड़ के गए। और ये जो सीन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जब लेटती थी, ये मेरी बहनों ने भी देखा है, ये मेरी खालाओं ने भी देखा है। और मुझे याद है क्योंकि उस वक्त हम खैर बहुत छोटे थे कि जब हम उनके घर जाते थे तो हमें उनके कमरे में जाने, बच्चों को जाने नहीं देते थे। सेकंड, उनकी छत पे कुछ प्रॉब्लम भी था कि हमें छत पे भी जाने से मना कर दिया गया था कि बच्चे छत पे नहीं जाएंगे। और मैं खैर आई वॉज लाइक 5-6 years old, मुझे याद है जब हम गलियों में खेलते थे तो हम जब छत पे देखते थे तो ऐसे लगता था कि कोई बंदा छत पे खड़ा हुआ है और नीचे देख रहा है, जबकि छत उनकी कंप्लीटली बंद है। साथ में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है कि कोई टाप के आ सके या कोई टाप के जा सके। लाइक सारी जो लाइन्स उनके घर, उनके जो इर्द गिर्द जो पड़ोसियों के जो घर हैं, लाइक दे आर ग्राउंड फ्लोर। और उनका एक वाहिद उस वक्त घर था जो 2 फ्लोर्स पे बना हुआ था, तो छत पे तो चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऊपर से ऐसा लगता था कि ग्रिल से कोई शख्स, कोई साया नीचे देखता है। ये मेरा अपना आंखों देखा, लेकिन खैर आई वॉज टू यंग सो मे बी मेरा वहम हो, लेकिन मेरी जो सामने जो घर में मेरी जो खाला रहती थी, जो मुमानी रहती थी, उन्होंने बाकायदा वहां पे कुछ मूवमेंट्स देखी उनकी छत पे, जबकि छत बिल्कुल सील थी, किसी को इजाजत नहीं थी ऊपर जाने की। तो ये एक वाकया था हमारी फैमिली का। जो मैंने वो जो कजन है आपकी, उनकी अब तबीयत कैसी है, वो कैसी है, वो सही नॉर्मल है? उनको वो है माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल, और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। और बिकॉज ऑफ दैट डिप्रेशन उसके बाद शी गॉट डिटोरिएटेड ऑब्वियसली। मेंटली तो बिल्कुल ठीक है, सेम है, और अब तक माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम वैसी नहीं है, लेकिन उनकी शादी दोबारा नहीं हुई। चले बहुत बहुत शुक्रिया मीर। लमिया आपके कजन की जो प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो दूर करे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ऐसे भी वाकयात हैं, इट वाज स्केरी। स्केरी से ज्यादा ये मुझे हार्ट ब्रेकिंग लगते हैं, पेनफुल लगते हैं यार, वेरी पेनफुल। पता नहीं, ये मेरा 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 एक्चुअली आई हैव गूज़बम्प्स, इट्स स्केरी। हां मतलब बहुत सारे लोग, तुम चैट पे देखती हो, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं जब कोई अपना वाक्य सुना रहे थे तो मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि लोग आदतन मजबूर हैं, एंटरटेनमेंट मिलती नहीं है लोगों को, तो शायद वो समझते हैं कि किसी के वाक्य का मजाक उड़ा लो तो वो नहीं, द मोस्ट कॉमन इज कि शायद फेक हो। हाँ ये भी फेक, लेकिन मैं जब से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं ये मेरे लिए बहुत एक सेकंड अब जुमला है कि ये फेक है या ये झूठ है या ये फेक रहा है, या उसका दूसरा तरीका होता है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, अरे ये हो गया, वो हो गया, वो लड़की हमें दे दो, उस लड़की से हमें मुलाकात हो, चुड़ैल हमें मिल जाए, बगैर ये सोचे समझे कि उनका ये जो छोटा सा मजाक है ना, उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। अभी नहीं, अभी तो बहुत सारे दोस्त अहबाब बैठे होते हैं, वो ताली मार के बोलते थे, हाँ देखो हमने ट्रोल कर दिया उसको, वो देखो मिनाज को हमने गुस्सा दिला दिया, वो देखो सना का हमने आंखों का मजाक उड़ा लिया, वो देखो उसकी अपनी बहन का मजाक उड़ा लिया, हा 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 ताली मार ली, पान की पीक फेंक दी और खुश हो गए। लेकिन वो एक एक चीज भूल जाते हैं कि ये 1% भी अगर वो सोचे ना कि ये सच है, क्योंकि ये तो नहीं आप कह सकते कि ना 100% के झूठे, आप बोलेंगे 90% झूठे, चलो 99% झूठे, 1% तो आप रखेंगे ना कि अगर सच्चा हुआ तो, अगर सच्चा हुआ वाकया तो आपके साथ क्या होगा, आप ये सोच सकते हैं कभी? या फिर आप उस चीज से गुजरे, उस तकलीफ से गुजरे जिनसे ये कॉलर्स अपने वाक्य बता के गुजरते हैं। I'm really sorry to cut you, but I have heard of something like this, like almost the same vakya, or somebody you know I know. Acha, kaun? I'm not gonna. Family. Yeah. And it was terrible. मैं देख चुकी हूँ, ये मेरे आंखों देखा हाल है। एंड वंस वो आए हुए थे
वो कनाडा में होती हैं जिनकी है, मैं बात कर रही हूँ, वो आई नहीं थी. और आई स्वेयर ऑन गॉड, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है. आई वॉज इन लाहौर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, विजिट कर रही थी मैं किसी को. और उस लड़की की सुबह होती थी कोई अराउंड 3:30 बजे, और दोपहर के मतलब असर से भी पहले शी यूज़ टू थिंक रात हो गई है एंड शी यूज़ टू स्लीप. इस स्पैन में वो सारे वक्त का खाना खाती थी. और मैंने लाइक एक दिन उनको सिर्फ पानी पीते हुए देख लिया था. और मेरी तो मतलब आई वॉज डेड. आई वॉज लाइक गॉड व्हाट इज शी डूइंग. मतलब वो इस तरह पानी पी रही थी और बोलती जा रही है मेरे अंदर आग लगी हुई है और वो बुझती नहीं है मैं जितना पानी पी लूँ. अकेले खड़े होके वो बातें करती रहती थी. पहले उनकी शादी हुई, then the guy left her because she had some major problem. Then she got married again. That guy had to leave her as well, you know. Psychological problem? God knows, उनके सारे इलाज हो चुके थे. वो पता नहीं आमिल बाबा वाले भी और सारे इलाज हुए थे उनके. लेकिन उनका कोई क्योर नहीं हुआ. And it's very scary because इनकी ये कहानी सुन के मुझे वो वाकया याद आ रहा है. I've seen this case with my own eyes. मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी उन बेचारी की. अब वल्ला आलम क्या था मुझे नहीं पता, जिन था, अमल था, क्या था. I think a psychological problem. अल्लाह जानते हैं. Psychological problem. It was not psychological because she went through, you know, all that. वो सबको दिखाया था उनको. I still remember, you know, उनको हर किसी को दिखाया था. अच्छा. Like doctors, you know, everyone. लेकिन उनका वो पता नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम थी उनकी. क्या हो गया भाई अब्दुल्ला चीमा, इतनी मतलब स्पैम क्यों कर रहे हैं? हाँ पढ़ लिया मैसेज भाई, खुदा के वास्ते माफ कर दे यार, पढ़ लिया, सॉरी यार, तेरे पास दिमाग में आइडिया आ गया भाई. स्पैम कर रहा है. आई कांट इवन रीड यार. ना नहीं कोई भी नहीं पढ़ पाएगा ना ये तो. खैर सो अल्लाह रहम करे भाई जिसके ऊपर गुजरती है. ओनली दे नो सना डिड अ ड्रामा कुतुब साहब वाला वाज स्केरी. कुतुब साहब की बेवा? ऐसा मैंने कोई ड्रामा नहीं किया. वो कौन सा कुतुब कुतुब था? तो खालिद अहमद वाला नहीं था या मजर मोइन वाला? कुतुब कुतुब मुझे भी कुछ याद पड़ रहा है लेकिन आई डोंट नो कौन सा है. उमर सिद्दीकी कह रहे सना डिड अ ड्रामा कुतुब साहब वाला. आई वुड रियली अप्रिशिएट उमर इफ यू रिमाइंड मी ऑफ दैट ड्रामा. मुझे याद नहीं आ रहा ड्रामे का नाम. बताएं ड्रामे का नाम. कुतुब साहब तो आई थिंक कोई. अच्छा चलें थोड़ा सा चैट की तरफ बढ़े. चैट क्या कह रही है? चैट की तरफ बढ़ते. अच्छा कुद्दूसी साहब की बेवा नहीं? सना ने तो नहीं किया. आई वाज नॉट इन कुद्दूसी. हां वो तो नहीं था उसमें. सना भाभी योर स्माइल इज वेरी क्यूट. मिया के सामने फ्लर्ट कर रहा है खबीस. क्या नाम था तेरा बे? तेरा तेरी ऐसी तेरी क्यूटनेस की मैं बजाऊं ऐसी की तैसी. मजाक करो मिनाज भाई. सहरी कौन बनाएगा? आंटी तो इधर बैठी हैं. आंटी आप तो इधर बैठी हैं. अंकल और आंटी मिलके बनाएंगे. अंकल और आंटी के घर में एक और है वो बनाएगा. वसीम बनाएगा. वसीम वसीम भी सुन रहा होगा. वसीम भी सुन रहा होगा. पीछे ही बैठा हुआ यहाँ पे. वसीम के बच्चे सोया दिन भर सोता रहेगा बंदा. सलाम टू सना अस्करी. दाऊद अस्सलाम. जोर से तो बोलो. वालेकुम अस्सलाम. क्या कह रहे हैं? क्यूटेस्ट एक्टर एवर. एवर भाई एवर. एवर जिंदगी में एवर. आपको एवर का खिताब मिल गया भाई. अच्छा सना का रिसेंटली ड्रामा फरियाद. बिल्कुल बिल्कुल लास्ट ड्रामा यही है ना? तो बिल्कुल खत्म हो गया अभी लास्ट वीक या लास्ट ही खत्म हुआ. और मैंने सुना बड़ा वो लोग ही मुझे बताते थे कि अच्छा. अनफॉर्चुनेटली मैं सना के ड्रामे नहीं देखता ज्यादा ना. मतलब साफ सी बात है. और मैं हर शो सुनती हूं. मिनाज भाई यू आर नॉट मैच्योर बट यू योर वाइफ इज. ये गलत है. बता इसको बता इसको ये कौन है? बाबर शेख का बच्चा. बता बाबर शेख के बच्चे को. बाबर शेख. अच्छा नहीं सना बहुत मैच्योर है. मैं बिल्कुल मैच्योर नहीं. मैं नहीं हूँ. अच्छी बात है ना. क्यों हूँ मैच्योर? नहीं होना मुझे मैच्योर. अच्छा जी दूसरा ये कि हाँ तो मैं सना का ड्रामा मैं कोई से भी ड्रामा नहीं देखता एक्चुअली. थैंक यू ईमान. हाँ ईमान के लिए फरियाद वाज ऑसम. थैंक यू.
सना नेगेटिव रोल एक्टिंग बहुत जबरदस्त करती हैं। बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत नेगेटिव रोल किया ना? Because I love it। हाँ, मुझे पता है। अच्छा, साथ दिलाई, थैंक यू सो मच, कहते हैं लवली कपल। थैंक यू। सना भाभी, योर बेस्ट कॉलर ऑन स्ट्रीम। तो राब हैदर कह रही हैं, ये कौन है बेस्ट कॉलर, कौन लगता है? यार ये तो नहीं बोल सकती ना, बिकॉज यू गाइस आर मिन्हाज पीपल, और मिन्हाज के लोग मेरे लोग, तो मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकती। पॉलिटिकली करेक्ट हो गए। हां, आई मीन आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी, आई लव एवरीवन। अच्छा, दूसरा ये कि सना भाभी माशाल्लाह टुडे शो इज ऑसम, हैप्पी बर्थडे फहद बिन इमरान। थैंक यू, लव यू भाभी, आई एम योर बिग फैन, अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। आमीन, ज़ायरा, बहुत शुक्रिया ज़ायरा। नेगेटिव रोल्स करना एक अलग आर्ट है, एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट। ये तो है यार, यू गॉट इट। हां, ये बात तो वैसे सना, यू आर द बेस्ट, ये तो है। थैंक यू सर। सर, ये मारूंगा क्या, मारूंगा माउस, माउस चुआ मारूंगा रख के। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। आंटी जाके वो बनाओ। आंटी आप क्या कर रही हैं? आंटी खाना बनाए ना, आंटी बनाएगा। पप्पो, पप्पो हमारी हमारी स्ट्रीम पे ना, मेरी पप्पो, वैसे असल में मेरी पप्पो नहीं है, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी मैंने मिस ही नहीं किया पप्पो को, इतनी सारी पप्पो हैं चैट पे होती हैं। Somebody said something, क्या it went up, और ऊपर चला गया। I don't know. Somebody said something nice about you. मोहब्बत में acting. No, no. Somebody said something nice about you. I was like, हाँ, of course. नाइल भाई, आप नेल को नाइल को लाए ना स्क्रीन पे। नाइल पता है, सीरियसली नाइल को मैंने से इतना सा बोलना है कि नाइल आ जाओ, वो आ जाएगा, वो बहुत बेसब्रा हुआ। अच्छा, should I tell you guys something? मिन्हाज आपको भी नहीं पता, वो मुझे स्ट्रीम नहीं सुनने देता आपकी। क्यों? वो कहते हैं ये तो अब्बा का वर्क है, you cannot listen to it, it's अब्बा's. हाँ, तो मैंने उसको ये तो सिखाया। उसको यही तो सिखाया, और वो सोते हुए मुझे बोलता है अब मिन्हाज अली अस्करी यूट्यूब चैनल। सो क्यूट। उसको बोलते चुप कर, सो चल। आज भी डांट पड़ी सोते हुए बेचारे को। अच्छा, चले अब ये लोगों को शामिल करते हैं। हाँ। फिर आज मैंने ईमेल्स नहीं पढ़ी, आई एम सो सॉरी। दो घंटे की स्ट्रीम होने वाली है सर, 2:15 होने वाले हैं, कॉल्स को लेते हैं। हाँ। तुम सेलेक्ट करो भाई। किसको? मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद सुलेमान गनस्लिंगर मास, पता नहीं। हेलो मोहम्मद सुलेमान, हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आपको दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा से आना पड़ेगा। पिंडी बॉय, हैप्पी बर्थडे सिस्टर एंड छपकली फॉर मिनान। अल्लाह, मैं $5 देता हूँ अल्लाह मियां, इसके घर में अभी इसके बिस्तर में छपकली। मैंने आज से भी ज्यादा मुझे डर लगता है छपकली से सोया। हम दोनों को डर लगता है, हम दोनों को। सना वाला छपकली वाला वाक्य बताओ, जब हम नए नए शिफ्ट हुए थे, कौन से वाले घर में? मैं रात को गया हुआ था 3 बजे, तुमने मुझे कॉल की, सुबह क्या मैं गया। It's gonna be a funny show. It's not gonna be a late night horror show. If I tell that story. It's alright. Okay, so once upon a time. जरूरी नहीं कि हर जो है हम horror show या work करते हैं। अच्छा, हाँ। 15 साल से कर रहा हूँ। एक दिन नहीं किया तो कोई मौत थोड़ी आ जाएगी। अच्छा, तो क्या हुआ? मैं घर में गई रही थी, मिन्हाज गए हुए थे हमारे world famous असर भाई के घर। वो तो अचानक से मुझे फील हुआ कि घर में छपकली आ गई है, और वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, वो बहुत बड़ा छिपकला था। ठीक है, तो मुझे तो माइनर, मिनी, मैक्रो सारे हार्ट अटैक्स आना शुरू हो गया। आई वाज लाइक डूड आई एम डेड। तो खैर, मैंने मिन्हाज को फोन किया विदाउट थिंकिंग कि मिन्हाज को फोन करने का फायदा कोई नहीं है। खैर, मैंने मिन्हाज को फोन किया, मैंने कहा मिन्हाज आपको फौरन घर आना पड़ेगा क्योंकि मैं मरने वाली हूँ, आप जल्दी आओ। मिन्हाज साहब आए, हुआ क्या सना, छिपकली आ गई? मैंने कहा हाँ, छिपकली आ गई। अब मिन्हाज ने कहा कि सना वो मारो। मैंने कहा मैं मेरी शक्ल देखिए, मैं छिपकली मारूंगी? है उसके बाद ये हुआ कि मिन्हाज ने बड़ा जबरदस्त अपना दिमाग चलाया। मैंने कहा सना एक काम करता हूँ, मैं लेके आता हूँ वो स्प्रे मारने वाला। आई वाज लाइक हाँ ठीक है, आप जाके ले आए।
ये भाग भाग के गए और आई थिंक 5 minutes within 5 minutes he was back. और सामने पंप था ना वहाँ से गया. पंप से जाके इन्होंने वो स्प्रे लिया है. अब आया और कह रहे ये लो. ये ले लूं मैं क्या करूँ लेके. तो कहते हैं मारो जाके. मैंने कहा दिमाग नहीं है मैं मारूंगी. तो कहते क्या मतलब है तुम लगता है मैं मारूंगा. मैंने कहा जाहिर सी बात है द मैन ऑफ द हाउस यू हैव टू किल इट. आई वाज लाइक मैं तो सोच भी नहीं सकती ना मारने की. अब हम दोनों सर पकड़ के बैठे हुए. मीनार नाराज हो गए मुझसे. मैं मीनार से नाराज हो गए बिकॉज ऑफ आई इट छिपकली के कौन मारेगा. और मनु छिपकली वहीं की वहीं. और वो बहुत बड़ी थी मीनार. इट वाज नॉट अ जोक. इट वाज ह्यूज. छिपकली कभी जोक नहीं थी इतनी कोई बड़ी. वो नहीं नहीं इतनी भी नहीं थी. मगरमच्छ तो नहीं था. खैर तो वो इतनी बड़ी कोई छिपकली होगी. इतनी हो या इतनी हो छिपकली. छिपकली छिपकली होती है एग्जैक्टली. तो खैर मीनार का फिर दिमाग चला. यार अब नीचे जाना पड़ेगा. मैंने 4 बजे रात को मैंने आज एक दुकान पे गए. वहां से एक बंदा लाए. नहीं मैं रोड पे घूम रहा था 4 बजे. बता रहा हूँ ना मैं भाई गली में क्यों रोमिंग करा. गली में गया हूँ मैं इधर उधर कि कोई चौकीदार कोई नजर है कोई चौकीदार. अच्छा एक और चीज एक डिस्क्लेमर है. मिन्हाज के सामने और मिन्हाज के लिए कोई छिपकली ना मारे तो अच्छा है क्योंकि वो बेचारा छिपकली भी जो मारने आते हैं उसको भी डांट पड़ती है यार तू कैसे मार रहा है यार. मीनिंग एक तो वो एहसान कर रहा है हमारे ऊपर छिपकली मार के फिर मिन्हाज को डांटते भी यार तू कर क्या रहा है इससे इससे तो मारो तुम्हें आती है तुम इससे मारोगे उससे मारो. खैर एनीवे तो मिन्हाज पत्नी कहां से उठा के किसी बंदे को लाए. उस बेचारे को डांटा भी. तुम तो डांस करो तुम्हें आती भी है मारने के नहीं. खैर उसने मारा जी तरीके से बहुत बुरे तरीके से उसने मारा. यूं करके मार रहा है ई ई. अरे क्या उसे क्या खोखो खेल रहा है. तो कोशिश कर रहा था हाथ से पकड़ ले पहले यार. चोरा बन कर रहा था वो चिपनेस कर रहा था बस. सॉरी टू से मार भाई आई एम सॉरी भाई जो भी थे आप लेकिन आप चोरा बन कर रहे थे. वो मतलब फुल चौड़े हो रहे थे कि हम हाथ से पकड़ लेंगे. और उसे आगे पीछे भी हो गई थी. हाँ उसके बाद में वो फाइनली छिपकली मर गई. एंड ऑफ छिपकली. नो मोर छिपकलीज. हां ना हमेशा आ जाती है पता है जब भी कोई चैट में बोलते हैं ना छिपकली कसम उठा के हमेशा आ जाती है. उस दिन नाइलन कमरे में भी आ गई. डोंट से दैट. हां ना यार नहीं छिपकली का मजाक नहीं होता पता है वो वाकई आ जाती है. हां यार देखो ज़ैन नज़ीर को देखो इतनी छिपकली इतनी सारी छिपकली तेरे कमरे में आ जाती है. मैं अभी आ जाती तेरे पास. तेरे नाक पे मुंह पे आंखों पे हर जगह बैठी है. नहीं सना वो तो यहाँ पे लोग पर्सनल अटैक तो होते हैं ना सबके. इट्स ओके इट वाज फनी. तू बाहर मिल मुझे. इसीलिए मुझे वो दोबारा में कास्ट किया था. अच्छा जी 2 घंटे हो गए भैया. सना साहब कटे हम. थैंक यू वेरी मच गाइस. नहीं यार वो वाक्य जो 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 मेन वाक्य था जो रह गया था वो तो बहुत स्कैरी है. मेरे लिए तो बहुत स्कैरी है. ओके तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट बिकॉज दिस वाक्य हैज एक्चुअली चेंज माय लाइफ अ लॉट. तो जिस ड्रामे का भी हम नाम ले रहे थे वो दोबारा ये उसी की शूट चल रही थी. तो एक दिन मैं घर आई हूँ. और अच्छा उस दिन हमने किया था पूरा एक जो उसका क्लाइमैक्स सीक्वेंस था. अब मैं उस घर का बता नहीं सकती बट उस घर में वाकई बहुत ज्यादा मस्ते थे. बाथरूम यूज टू बी लॉक्ड ऑल द टाइम. मतलब आप अभी बाथरूम से निकले हैं और बाथरूम लॉक हो जाता था. और बेल बजती थी सीसीटीवी होता था. एंड जब जाके देखो तो वहाँ कोई भी नहीं होता था. एनीवे वहाँ काफी सारे ऐसे वाक्य होते थे. फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं वो क्लाइमैक्स सीन करके आई जिसमें मैं पजेस हो जाती हूँ सारा कुछ हो जाता है. और घर आई हूँ मैं सो गई. और सुबह जब मैं उठी हूँ तो आई जस्ट कुडंट वेक अप. वेक अप मीनिंग ये कि मैं अपनी ना आंखें खोल सकती थी ना बंद कर सकती थी बिकॉज आई कुड सी पीपल इन फ्रंट ऑफ मी. मतलब अजीब चेहरे मेरी नजरों के पास थे और मैं सिर्फ रो रही थी. उस वक्त वो सिचुएशन आ गई थी मेरी कि मतलब आप खुद सोचें कि एक इंसान आंखें खोल रहा है तब भी उसके सामने कुछ, आंखें बंद कर रहा है तब भी उसके सामने कुछ नहीं. मतलब लोगों की शक्लें और अजीब शक्लें. मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि वो क्या था. मतलब उसके बाद मैंने हाँ जो देख हुआ क्या है तुम्हें. आई डोंट नो मुझे क्या हुआ है. तो लेकिन बात भी नहीं कर रही थी.
मुझे आई वॉज जस्ट क्राइंग, मुझे सिर्फ रोना आ रहा था. खैर तो मिन्हाज काफी टाइम तक यू नो वो मुझे रिलैक्स करने की कोशिश की. मैंने कहा मैं करूँ क्या, मैं कुछ करो, मतलब जस्ट स्टॉप इट यू नो, कि ये हो क्या रहा है, ये कौन लोग हैं. और मैं उनसे बकायदा मैंने कॉन्वर्सेशन भी की कि खुदा का वास्ता है यू नो जस्ट लीव मी. तो खैर मिन्हाज ने फिर घबरा के मेरे पेरेंट्स को कॉल किया. मेरी अम्मा घर आई, मेरी खाला घर आई, मेरे अब्बा घर आए, और दे वर जस्ट लाइक, अब वो मुझे बताते हैं कि मेरी आंखें बकायदा चढ़ी हुई थी. एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने उनके साथ बैठना क्या, मुझे उठा ही नहीं जा रहा था. आई जस्ट कुडंट वेक अप. और आप एक हेल्पलेस नहीं हो जाते कि ये हो क्या रहा है, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन विद माय बॉडी, व्हाट्स गोइंग ऑन विद माय सेल्फ यू नो. तो फिर कोई पूरा दिन गुजरने के बाद आई रिमेंबर असर की अजान हो रही थी, तो तब मैंने मिन्हाज को कहा कि प्लीज मुझे आप मस्जिद देके जाएं, मुझे दम करवाएं, मुझे मतलब मौलवी के पास लेके जाएं, मुझे दम करवाएं. तो आई रिमेंबर वी वेंट टू रहमानिया मस्जिद. उस वक्त हम BCHS में रहते थे, तो आई वाज लाइक के जस्ट टेक मी टू रहमानिया मस्जिद. अच्छा मैं वहाँ गई और मैं कंटिन्यूसली आई वॉज क्राइंग बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है. तो मैं बंद कर रही हूँ तो मुझे लोग नजर आ रहे हैं. तो उन्होंने मुझे दम बम किया, मैं घर आई. आई स्टिल रिमेम्बर मगरिब हुई तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि इसको थोड़ा सा बाहर लेके जाओ. तो हम ऐसे इशारे फैसल पे निकले. आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ मिन्हाज ने बैंक जाना था फॉर सम रीज़न, तो ये ATM गए हैं और मैं अकेली गाड़ी में थी और मुझे लग रहा था कि मुझे कोई उठा के ले जाएगा. मतलब आई डोंट नो वो क्या था, मैं किस तरह समझा. मुझे मिन्हाज बल्कि थोड़े टाइम पहले भी ये पूछ रहे थे कि तुम्हें हुआ क्या था, तो मैं अभी भी हमेशा मिन्हाज को कहती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आती मुझे क्या हुआ था. उसके बाद मैं जो मेरी डायरेक्टर थी मैंने उसको फ़ोन किया. मैंने कहा लिसन मैं तो शूट नहीं करा सकती अब, मतलब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मे बी यू नो मैंने किसी को हर्ट किया है, क्या किया है, आई डोंट नो, आई जस्ट कैन नॉट शूट. एंड शी वाज लाइक कि सना अभी काम पड़ा हुआ है हमारा. आई वाज लाइक नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर सकती. खैर 4-5 दिन बाद मेरी थोड़ी सी जब तबीयत सेटल हुई तो मैं सेट पे गई. सेट पे गई हूँ और आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे शीशे देखने से खौफ आ रही थी. आई जस्ट कुडंट सी द मिरर. मतलब मैं बाथरूम भी जा रही थी तो मैं लॉक नहीं कर रही थी कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी नज़र पड़ गई शीशे पे तो मुझे वो चेहरे नजर आएंगे. तो दिस वॉज वन इंसिडेंट. आई स्टिल डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग विद मी और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. मुझे नहीं पता क्या हुआ था मेरे साथ. आई थिंक वो घर भी हॉन्टेड था. It was very haunted, you remember? Very neat, it was haunted, na? Ha. Yaad hai, Angelina ne bataya bhi tha. Yes, this is fake news. Nahi, it's alright. Ha. Angelina ne bataya bhi tha ki uske ghar mein jab wo shift hui thi, to wo usne paintings lagayi thi bahut sari. Main aapko batati hu, hum shoot kar rahe hote the, to jab hum shoot karte hain na, to aap thodi decorate karte hain jagah, jaise walls mein aapne painting laga di. तो ये फर्स्ट डे से होता था कि हम जैसे सीन क्यू होता था तो पेंटिंग्स ना एक एक करके गिरना शुरू होती थी. लेकिन वो नेल्स जो होती हैं जिस पे पेंटिंग अटकती थी, कील जो होती है जिसपे आप बर्गर नहीं मुझे याद नहीं आ रहा था लफ्ज, जिसपे आप पेंटिंग लटकाते हैं ना, आप नॉर्मल हम कील जैसे ठोक देते हैं, वो कील वैसी की वैसी रहती थी और पेंटिंग्स गिर जाती थी. कभी कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता था और यू नो इस तरह के डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती थी. और एंजेलिन के साथ आई स्टिल रिमेंबर काफ़ी बार एंजेलिन कहती थी कि यार ये वही हुआ, मैं सो रही थी रात को. उसने अपने पूरे कमरे में ना CCTV, मतलब पूरे घर में CCTV लगाए हुए थे और सामने मॉनिटर रखा हुआ था जिसपे सारी फुटेज आती थी. तो आई स्टिल रिमेंबर हम बैठे होते थे, बेल बजती थी, कोई नहीं होता था गेट पे, बट द डोरबेल यूज्ड टू रिंग और जाके देखते थे, कोई भी नहीं होता था बाहर. So yeah, there were a couple of episodes जो वहाँ पर हुई थी, but only Allah knows कि क्या था. I still have no explanation to what had happened to me. अब पता है अब क्या होगा सारे वाक्य को सुनने के बाद कुछ लोग क्या कहेंगे? क्या सना भाभी possessed है? नहीं, सना भाभी ने अल्लाह मियाँ क्यों बोला? अल्लाह मियाँ नहीं बोलना चाहिए था. अल्लाह ताला.
ऐसे ही होता है। सॉरी गाइस। लेकिन नहीं मैं उससे ये हुआ कि ये मुझे पता चल गया कि तुम वाकई अच्छा नहीं सुनाती। वाकई सही अच्छा सुनाया, सही तरीके से नहीं सुनाती ना, प्यार से तो सुनाया है। प्यार नहीं सुनाना यार, लेट नाइट लव शो थोड़ी चल रहा है, प्यार से सुना रही थी भाई। अब हम ऐसे क्योंकि तुम्हारे साथ जो तुम्हारी जो कैफियत थी वो ये थी कि जब तुम घर आई थी और जब मैंने तुम्हारी शक्ल देखी थी तो उस वक्त ही मुझे रियलाइज हो गया था। और आई रिमेम्बर तुम जब मैंने तुम्हें पिक किया था सेट से, तो उस वक्त मुझे लोगों ने भी कहा था कि सना कुछ अजीब एक्ट कर रही है, जिसमें मैंने कहा था कि हो सकता है स्ट्रेस ले लिया हो या वो कैरेक्टर में चली गई, क्योंकि उस दिन वो वाला शूट था हार्नेस वाला था, जब वो तुम पे चुड़ैल चढ़ जाती है और तुम उड़ रही हो। और उसमें पता है क्या हुआ था, एक तो मुझे कोई मैं 8 घंटे क्रेन से बंधी हुई लटकी हुई, बकायदा एक हार्नेस होती है जो अरेंज हुई थी, बिकॉज जाहिर है हॉरर ड्रामा था, तो हॉरर ड्रामा में आपको ज्यादा इस तरह की इक्विपमेंट और यू नो इस तरह के आपके स्टंट्स होते हैं। तो मुझे सुबह जाते ही डायरेक्टर ने कह दिया था कि जी आज आपका ये वाला सीन है, आपको क्रेन, और वो बहुत ऊंची क्रेन थी, तो उन्होंने मुझे हार्नेस करके कोई 7-8 घंटे में लगातार लटकी रही थी, मतलब हवा में थी मैं, एंड आई हैड टू परफॉर्म। तो मुझे लग रहा था कि मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ, लेकिन मेरी जो टीम थी उसको लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। और फिर मिन्हाज उस दिन मुझे, बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था, तो ही केम टू पिक मी अप, एंड इनको फिर सारों ने कहा कि यू नो कुछ गड़बड़ है इसके साथ। जब उन्होंने मुझे बोला ना सना कुछ गड़बड़ है, हाँ। मैंने कहा उसके साथ तो रहती गड़बड़ है। अब आपने जो बुरा वाकया कर दिया। अच्छा नहीं, मैं तो थोड़ा सा फनी है, लेकिन मुझे मैंने देखा था ना, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें पिक किया तो तुम्हारे होश उड़े हुए थे, तो मुझे ये था कि इतनी देर की शूट हो चुकी है, मुझे आदत 3-4 बज चुके थे, रात के 2 बज रहे थे जब मैं आया था लेने, और वो उस वक्त भी वो सीन चल रहा था और खत्म होते होते आधा पौना 1 घंटा लग गया था, और तुम उस वक्त लटकी नहीं थी, वो मैं लटकी भी 50-60 फीट ऊपर लटकी हुई, और मेरे लिटरली मेरे ब्रूजेस हो गए थे, लाइक माय आर्म्स, मेरे पूरी बॉडी में ब्रूजेस थे, मतलब नील पड़ गए थे इतनी देर लटकने के बाद, यू नो। तो ही इवन थॉट के हाँ गड़बड़ है, लेकिन यू नो टायर्ड हो गई है मे बी, मैं तो उसमें समझा था कि टायर्ड हो गई, हाँ, एग्जॉस्ट हो गई। तुम जब घर आई तो मुझे याद है तुम डायरेक्ट कमरे में चली गई और मैं सो गई थी, लेट गई थी। तुम लेट गई थी, तुम हाँ, सोई भी नहीं थी, मैं लेट गई थी, और मैं एज यूजुअल अपने शायद मोबाइल वोबाइल भी लगा था या कोई एडिट कर रहा था, कुछ कर रहा था, तो मैंने उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि मूड ऑफ है, चलो अपनी स्पेस में सही है यार। तुम फिर मैं सो गया था और तुम जागती रही थी, फिर कई रात के बीच में मैं उठा था तो तुम उठी भी थी, मैंने देखा था तुम उठी भी हो, फिर भी मैंने कहा चलो पता नहीं तुम सोती लेट हो, हम दोनों ही लेट सोते हैं, करवट लेके मैं सो गया। सुबह उठा तो तुम कमरे से भी बाहर नहीं निकल रही, मैं बिस्तर से नहीं उठी थी, बिस्तर से नहीं उठी। अच्छा अब इस केस में ना अम्मा वगैरह बाहर थे, अब आप अजीब ऑकवर्ड हो जाते ना, क्या ऐसा ना हो अम्मा समझे पता नहीं क्या लड़ाई झगड़े हुए में, या वो आगे भाई बहू साहिबा बाहर नहीं निकल रही, होता है ना 10,000 बातें आती है। तो मुझे अब ये होना शुरू हो गया कि यार ये क्या चक्कर है, अब मैं सना के पास जाऊं, सना कुछ बोल, तुम बोल भी नहीं रही थी उस वक्त, तो आई डिड नॉट टॉक द होल डे, तुम पूरे दिन तुमने बात नहीं, मैंने असर पे सिर्फ कहा था कि अम्मा आई थी, अम्मा को मैंने बोला कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जाके देखिए, अम्मा आई थी, अम्मा ने पढ़ा वड़ा तुम पे, मुझे याद है अम्मा ने कुछ पढ़ा फूका था, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, अम्मा ने मुझे बोला कि इसको किसी लेके जाओ मौलवी साहब, क्या सब भी, मैंने कहा नहीं कोई मौलवी वाला चक्कर नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल थकन और ये सब उस वक्त तक मेरे दिमाग में, तुम्हारे अम्मा पाए उन्होंने भी देखा, फिर याद है मुझे हमजा भी बड़ा परेशान हो गया था, फिर तुम्हें लेके गया था मौलवी साहब, मौलवी साहब का वहां पे भी चक्कर हो गया था कि मैं जा नहीं सकता, हां अंदर अलाउड नहीं करते, वुमन एंड आई वाज नॉट अलाउड, ये मुझे बात आज तक समझ नहीं है कि मस्जिद में औरतों का क्यों अलाउड नहीं, खाने का भी अलाउड है, तो You remember you called him and then I requested him कि please मुझे आप दम कर दें बस। हाँ फिर हम लोग अंदर वो रहमानिया मस्जिद के भी कोने में कमरा था उधर गए। हाँ। फिर उन्होंने दम वम किया था, फिर तुम बेहतर हुई थी थोड़ा सा। बेहतर हुई थी लेकिन मुझे एक डर बैठ गया था। I don't know what that was। फिर तुम काफी अरसे तक। आपको पता है to be very honest मुझे याद भी नहीं है मेरे साथ हुआ गया था। आपको सही बता रही हूँ, मुझे सिर्फ ये याद है कि I could just see faces और वो
वो वाले नहीं होते मिनाज, आप उसे क्या कहते हैं, मुझे शटर स्पीड से आती है शक्लें, हाई स्पीड, हाई स्पीड, हाँ हाई स्पीड तो स्लो होता है, हाई रेजोल्यूशन नहीं पता नहीं क्या कहते हैं, व्हेन यू नो यू सी थिंग्स वेरी क्विकली वेरी फास्ट, वो वाला था सीन कुछ, लेकिन आई डोंट नो व्हाट दैट वाज, बट वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, आई मीन उस वक्त मैंने रियलाइज किया था कि यार हाँ दिस एग्जिस्ट्स, एग्जिस्टेंस में मुझे प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन मुझे लगता था मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा, बट यार दिस दिस वाज वेरी स्कैरी, दिस वाज वेरी स्कैरी, डू यू रियली वांट मी टू लीव नाउ? नहीं मैं और सोच रहा था कि एक दफा याद है तुम्हें मैं रेडियो शो करने गया था, हॉरर शो करने गया था, did you never tell the story? वो वाला तो नहीं, वो वाला तो नहीं, लेकिन वो वाला जब मैं फॉरेन आ गया था आधे घंटे, जब आप बिल्कुल वाइट होके आए थे आधे घंटे में आ गया, oh my god that was, और वो मैं हॉरर शो ही करने गया था दूसरे चैनल पे करते थे, सना 105 पे करते, 105 पे करते थे, और सना को मैंने ताऊ क्या छोड़ा था ना, नो हम घर पे थे, तुम ताऊ क्या, अम्मा वाज नॉट देयर, मुझे अभी भी याद, ताऊ वकास हमारे घर आए हुए थे, अच्छा उस जमाने में हम ट्रम्प्स खेलते थे, सारे कार्ड्स खेलते, कार्ड्स खेलते थे, तो अच्छा मैं मिन्हाज जाने वाले थे, अच्छा मिन्हाज अपना हॉरर शो कभी नहीं मिस करते, नो मैटर व्हाट, नो मैटर कुछ भी हो, तो ये हुआ कि मिन्हाज जा रहे थे, मैंने कहा यार मत जाए आज क्या हो गया, एक दिन छुट्टी कर लें, यू नो योर फ्रेंड्स आर ओवर, लेट्स यू नो आप जब कार्ड्स खेलने बैठते हैं तो आप, हम इसी तरह खेलते थे पूरी पूरी रात बैठ के खेल रहे होते थे, खैर तो मिन्हाज ने कहा नहीं नहीं मैं जाऊँगा मेरा शो है, तो ही वेंट, अच्छा वी कंटिन्यूड, हम सारे दोस्त बैठे हुए थे बातें बातें कर रहे थे, और ये यू नो वी वर जस्ट सेइंग कि मिन्हाज को तो आज भी जाना जरूरी था, आज सारे आए हुए और ये और वो, लिटरली आफ्टर आधा घंटा, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, लिटरली आफ्टर 20 मिनट्स घर की बेल बजी है, जो मिन्हाज कभी नहीं बजाते, मिन्हाज हमेशा अपनी चाबी से खोलते हैं, घर की बेल बजी है, आई ओपन द डोर, और ये मैं सामने खड़े थे, और मुझे आज तक आई टेल हिम कि मिन्हाज वॉज वाइट, आप पेल नहीं पड़ जाते जैसे यू नो यू हैव सीन समथिंग स्केरी या क्या कहते हैं जो खौफ से जो बंदा सफेद नहीं हो जाता, ही वाज वाइट, एंड आई स्टिल रिमेंबर वो बताओ वगैरह सब आए और दे वर लाइक कि हुआ क्या है तुम्हें, एंड ही वाज नॉट टॉकिंग टू अस, आपने बताया भी नहीं था कि क्या हुआ, यू वर लाइक कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, यू टोल्ड मी आफ्टर अ वीक के क्या हुआ था, so yeah that वो वाला वाक्य तो मैंने तुम्हें भी नहीं बताया ना, जिसकी वजह से हमने मैंने शो बंद किया था स्टूडियो वाला, हां नहीं वो आपने मुझे मतलब किसी को भी नहीं बताया, नहीं वो सिर्फ आपको और आपके इंजीनियर को शायद पता है, हां इंजीनियर का नाम बता देती हूं, दे आर गोना फाइंड हिम, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं किसी को, वो उसके बारे में तो बात ही नहीं करता मैं, फजूल में मैंने अभी दोबारा डिस्कशन कर दिया, खैर साना थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या मेरी बातें रिपीट करे जा रही है, मैं थैंक यू बोल रहा हूं, थैंक यू बोल रही हूं, तो जाहिर है ये मैंने बुलाया, कॉल मी ऑन योर शो, आई शुड थैंक यू, थैंक यू बोल रहा हूं ना गाइस, क्यों कर रही हो, मैं इनका से कह रही हूं फॉर ऑल द लव एंड फॉर ऑल द विशेस, थैंक यू सो मच, कीप प्रेइंग फॉर अस एंड अपनी दुआओं में याद रखिए, तो आप YouTube चैनल बना रही हैं, नहीं आप Instagram पे होती तो Instagram में बता दें, कोई ज्वाइन कर ले लोग, मैं Insta पे भी वहां होती हूं, हम होती हूं आपकी मर्जी, भैया इंस्टाग्राम से स्टार बनते हैं आप, क्या बात, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, डोंट स्टॉप इट, यू एम्बैरेसिंग मी, नहीं यार अल्लाह में तुम खुश रहो, जहां रहो जिसके साथ रहो, मतलब जैसे आगे जिंदगी किसी को नहीं पता होता, व्हाट यू से भाई, कोरोना चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सारी चीज लाइफ कीप्स ऑन चेंजिंग राइट, थैंक यू गाइस, आई एम सॉरी फॉर अगर आप लोग को बुरा लगा हो कि हमने थोड़ा Chill mall kar liya. So yeah. Thank you. Thank you, Sana. I need to leave now. Good night, guys. Have fun. Bye. हाँ भाई हमारी बेगम साहिबा चली गई, ओए रंगड़ाई तो ले ले, ओफ अल्लाह सॉरी भाइयों, आज जो है हम ईमेल्स पे जरा फोकस नहीं कर पाए और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी नहीं शामिल कर पाए, आई एम रियली रियली सॉरी,
और जिन जिन लोगों ने सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स भेजे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल आवर स्ट्रीम। जिन जिन के नाम नहीं ले पाए उनसे तहे दिल से माजरत, और अगर कोई भी बात बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, लग सकती है बुरी, उसके लिए मैं सॉरी थोड़ी बोलूँगा, हर बात पे थोड़ी सॉरी बोलते हैं भैया, कभी कभी बात बुरी लगनी चाहिए, अच्छा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। खैर अभी हमारे पास कुछ टाइम है, मैं 3 बजे तक आज स्ट्रीम कर लेता हूँ, कल छुट्टी है, सबकी ही छुट्टी है, तो हम 3 बजे तक आज स्ट्रीम कर लेते हैं। कुछ ईमेल्स हैं जो कि मैं शामिल कर लेता हूँ, और उसके बाद एक सेकेंड, अच्छा जी चले, हाँ कुछ ईमेल्स हैं जो मैं शामिल कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज भाई, माय नेम इज हानिया, जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ महीने पहले हुआ है। आपको बता दी चलूं कि हमारे घर जिस लोकेशन पे है, घर के बैक साइड गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल है। तकरीबन रात का टाइम था, इशा की अजान के बाद का टाइम था, जब हम नानी के घर से वापस आए और घर में एंटर हुए तो मम्मा रूम में चली गई और बहन मोबाइल यूज करने लगी। मेरी आदत है रात के टाइम बैल्कनी में खड़े होने की, वो बैक साइड का एरिया कुछ ऐसा है कि असर की अजान से पहले वो जगह बिल्कुल बंद हो जाती है, सिर्फ अंदर गार्ड होता है और ना वहाँ कोई लाइट जलती है, ना कोई रोशनी का नाम और निशान। तो मैं घर में आने के बाद जाके बैल्कनी में खड़ी थी, पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, सुनसान पड़ा था सब, मैं देखती रही सामने, फिर मैंने आसमान पे देखना शुरू करा तो अचानक कुछ लम्हे बाद मुझे ढोल की आवाज़ आने लगी। वो हल्की आवाज़ थी, मैंने इग्नोर कर दिया, फिर कुछ ही सेकंड बाद वो ढोल की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई जैसे कोई बिल्कुल मेरे सामने बैठ के ढोल बजा रहा हो, मेरे सर में लगने लगी वो आवाज़। तो मैंने अचानक सामने उस एरिया की तरफ देखा तो वहाँ बहुत सारी तादाद में बच्चे थे, जैसे 5 साल के बच्चों की हाइट होती है, और आप यकीन करें वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे कि मैं डरी तो नहीं लेकिन घबरा गई और गौर करने लगी कि इस वक्त ये सब क्या है, यहाँ के तो गेट भी बंद हो गए हैं। मैं 2 मिनट तक देखती रही और समझने की कोशिश करने लगी कि इतने सारे बच्चे यहाँ ऐसे ढोल बजाते हुए और शोर की आवाज़ में मैंने सोचा मैं रूम से मोबाइल लेके आती हूँ और टॉर्च से देखती हूँ कि हैं कौन। मैं अंदर गई, मोबाइल उठाया और आने लगी। मेरा जहन में पता नहीं क्या आया कि मैंने अपनी बहन को कहा कि देखिए ये क्या हो रहा है। वो मेरे साथ बैल्कनी में आई तो सामने कुछ नहीं था, सिर्फ ढोल बजने और शोर की आवाज़ थी हल्की। हालांकि मैंने उन्हें बताया कि मैंने यहाँ ऐसा सब कुछ देखा, तो हम फिर रूम में आ गए, मम्मा को बताया तो मम्मा समझ गई और कहने लगी कि किसी की शादी की तकरीब है, बस अब बैल्कनी में नहीं जाना, हम डर गए। 2 दिन मेरी बहन ने अपने सारे फ्रेंड्स को ये बात बताई। उसके नेक्स्ट डे सुबह जब स्कूल जाने लगी, पापा के साथ इत्तेफाक से मैं स्कूल नहीं गई और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरे फादर को कुछ भी नहीं हुआ और सिस्टर की काफ़ी चोट लगी। और फिर नेक्स्ट डे ये सब फ्रेंड्स को पता लगा तो उनमें से एक ने कहा तुमने सबको बताया था जब ही ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने शाम होते ही किसी से पूछा जो ऐसी बातें बता देते हैं, तो उन्होंने बोला कि आपने सबको बताया तो उनको बुरा लगा, उसे माफ़ी मांगे और अब किसी को उस मखलूक के बारे में नहीं बताइएगा। ओके बहुत शुक्रिया हानिया, थैंक यू। अच्छा जी ये क्या है, एक सेकेंड। ओके ओके चले, अच्छा जी अब बढ़ते हैं अपने कुछ कॉलर्स की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। उबैद, अस्सलाम वालेकुम उबैद, कैसे हैं आप?
उबैद वालेकुम अस्सलाम जी। उबैद कैसे हैं आप, किधर से कॉल कर रहे हैं उबैद? हेलो जी जी उबैद, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। उबैद किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं सोच कैलिफोर्निया लोडाई। कैलिफोर्निया से कॉल कर रहे हैं जी, क्या वाक्य जो शेयर करना चाहेंगे? एक दो छोटे से वाक्यात हैं। पहला वाक्यात तो ये है कि ये जो ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, ये उनके घर के सारे घर उसके आगे घर मतलब वन नेक्स्ट देयर हाउस उधर का वाक्य। और वो तो हमारे रिश्तेदार हैं दूर, लेकिन वाक्य मेरे दोस्त बताए मतलब वो जो घर है ना वो बहुत ज्यादा हैवीली हॉन्टेड, मतलब उनके छत पे डलने की आवाजें, जोर जोर के कदमों की आवाजें आती थी। तो हल्की मतलब एक्टिविटी थी पहले, जो उनको किसी ने पढ़ने के लिए दिया कि ये आप पढ़ा करें, तस्बीह वगैरह उनको बताया कि ये पढ़ें तो मसला हल हो जाएगा। तो वो पढ़ने के बाद वो जो चीज थी वो उसको जरा आई गेस वो कंपटीशन या यू नो फाइटिंग के वो उसमें आ गई वो चीज। तो उसके बाद वो चीज नीचे आ गई के ना घर के अंदर आ गई, पहले तो छत के ऊपर तक लिमिटेड उसकी एक्टिविटी जो थी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। तो वो मतलब फिर उस चीज की उनको उनकी जो बहू थी उनकी उसको वो चीज नजर आने लग गई, मतलब उसने इसमें देखा कि वो चीज ऐसे आई उड़ के ना दीवार के अंदर दूसरी साइड पे वेंट थ्रू द वॉल। तो इस तरह फिर उसके बच्चों के खिलौने उसको रूम में कमरे में उड़ते नजर आ रहे हैं, यानी कि ना जैसे अब कोई चीज ने उठाया कब खिलौना और इट्स जस्ट मूविंग इन देयर, इट्स जस्ट फ्लाइंग इन देयर। तो इस तरह काफी वाकयात उनके होते रहे। तो कभी फिर एक बार वो उनकी जो बहू थी उसने बताया कि आपकी उबैद आवाज बहुत कट रही थी जिसकी वजह से आपकी लाइन भी ड्रॉप हो गई, दोबारा से कोशिश करेगा। मुआज़ अगर आपको आवाज आ रही, मुआज़ अपना माइक ऑन कर लें ताकि हम आपको स्ट्रीम पे शामिल कर सकें। हाँ हेलो मुआज़ माइक ऑन कर ले यार। हेलो आवाज आ रही है मनाज भाई? जी जी आ रही है मुआज़, किधर से कॉल कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम। मैं मनाज भाई कराची से कॉल कर रहा हूँ आपको। मनाज भाई मैंने आपको एक इंसिडेंट ईमेल किया है, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको एंड में अपने शो में इस वाली स्ट्रीम में जरूर शामिल कीजिएगा। अच्छा चलें सही, मैं पढ़ता हूं। नहीं आप मुझे बता देना, मैं बताऊंगा मनाज भाई, मजा नहीं आएगा, आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा सुनने। यार अब टाइम असल में बचा नहीं है ना बिल्कुल, तो आप बता ही दें वरना फिर कल तक बात चली जाएगी। मनाज भाई कल स्टार्ट में आप शेयर कर दीजिएगा। चलें सही, ओके थैंक यू मोहन, थैंक यू, ओके बाय। अच्छा जी वहाज अगर आप हमारे साथ हैं, वहाज से बात करते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं रितेश देशमुख जी। हाँ ये पुरानी काफी अर्से से लगी हुई है। अच्छा वहाज आपके कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बिल्कुल बेहतर जबरदस्त। मेरी आवाज तो बिल्कुल सही है ना आपके पास? जी जी बिल्कुल सही है, बताइए क्या वाक्य है? तो आज असल में मेरे हैं तो तीन चार वाक्यात मेरे पास, लेकिन स्टार्ट करूंगा मैं अपने बचपन से। जब हम एयरपोर्ट में रहा करते थे, एयरपोर्ट में किस जगह पे, ये अल्लाह भला करे आपका एयरपोर्ट में जो बैरिक्स बने हुए स्टार गेट से लेफ्ट जाते हैं आप, बैरिक्स बने हुए बहुत सारे। तो जो फर्स्ट स्टार्टिंग बैरिक था राइट साइड पे, वहां हम लोगों की रिहाइश थी। तो वहां पे मैं तो खैर काफी छोटा था, आई वाज 6 और 7,
तो मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की कि मतलब ना समझ में आने वाली वहाँ पे। तो वालदा भी बताती हैं मेरी कि वहाँ पे उस घर में कुछ था ऐसा कि जो उसका बैक साइड, असल में वो घर आपको पता है सारे सिंगल रूफ एक छत पे बने हुए सारे, और सिंगल ही हैं सारे। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि सहन जो है वो बैक साइड पे था घर के मेन एंट्रेंस पे, बड़ा सा लाउंज, फिर उसके बाद एक रूम राइट पे, दो रूम और पीछे सहन, और उसके साथ एक बैक पे एक वॉशरूम अलग। तो वो सही। वाली जगह थोड़ी सी ऐसी थी जहाँ पे कुछ अजीब सी फील आती थी, मतलब कि कोई फॉलो कर रहा है या कोई छुपके से देख रहा है, पीक से देख रहा है, इस तरीके की फीलिंग्स आती थी। तो वालदा ने तो पहले, जो वालदा ने मुझे बताया, ये मेरे साथ भी मतलब वहाँ पे हुआ और एक वालदा का भी था, कि वहाँ पे उस सहन में हमने एक कमरा बनवाया था जिसमें अमूमन हमारी वालदा आराम किया करती थी। तो उस रूम के अंदर कुछ ऐसा था कि क्या बोलूँ उसे, मतलब एक शेडो जो है अमूमन उस रूम में नजर आया करता था, अच्छा। सिर्फ शेडो शेडो था रूम में नजर आया, तो काफी हैवी प्रेजेंस के साथ, कि मतलब प्रेजेंस है उसकी तकरीबन अराउंड 4-5 मिनट तो रेगुलर पूरा, लेकिन सिर्फ एक शेडो, कोई सही। इतना कि कोई मतलब कोई एक्ट नहीं करता करता था वो। मेरे साथ जो हुआ था वो ये हुआ था कि हम लोग वहाँ से मूव हो रहे थे, उससे तकरीबन 4 या 5 महीने पहले की बात थी। तो वो वाला कमरा हम लोग जो जिस कमरे की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो वाला कमरा हम लोग तोड़वा रहे थे कि वापस सहन हो जाए और मतलब अपनी खुली जगह हो जाए वहाँ पे। तो वो वहाँ पे जब वो करवा रहे थे, तोड़वा रहे थे, तो वहां पे मैंने जो देखा, वो मैंने देखा अपने एक मतलब वहीं पे एरिया में हमारे एक नेबर थे उनकी शक्ल में, कि वो रूम में आए, सीधे रूम में बोलना सॉरी, सहन में आए वो। सहन में आके मतलब मैं उधर सहन में ही खड़ा हूँ, रूम की दीवार मतलब वहां पे मजदूर तोड़ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ खड़े होके। तो वो मेरे पीछे से आए, अच्छा पीछे से आए वो, और वहां पे गए साथ उनके रेबर के साथ ही, उन्होंने भी उठा के तोड़ना शुरू कर दी दीवार। अब मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई आप क्यों कर रहे हैं जब ये लेबर कर रही हैं, तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो मतलब फिर आए मेरी तरफ से होते हुए और फिर वापस घर से बाहर चले गए। फिर वाले साहब वगैरह आ गए वहां पे, तो मैंने बोला कि वो आए थे, आपने देखा उनसे बात बात की, तो वाले साहब ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपनी वालदा से पूछा कि भाई ऐसा हो रहा था, वो आए थे और वो मेरे साथ भी यहाँ थे, मैंने देखा था उन्हें, तो ऐसा कुछ था? तो वालदा ने भी बोला नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। ये खैर एक ये छोटी सी बात थी उस टाइम। खैर जो उस घर के अंदर होते रहते थे छोटे से, उस साइड पे स्पेशली ऐसे होते थे कि मेरे साथ नहीं औरों के साथ भी वहां पे ऐसा होता था कि उनको किसी की प्रेजेंस महसूस होती थी, कि अच्छा। कोई खड़ा हुआ है साथ, या कोई सामने चल रहा है, किसी के कदमों की आवाज है, इस टाइप की उस घर पे होती थी। क्योंकि उस घर के जो बाहर वाला जो मेन एंट्रेंस थी ना, तो मेन एंट्रेंस के साथ हज टाइप की आज भी वहां पे वैसी वो झाड़ियां हैं, उनसे एक हज बनाई हुई है, तो वो थी। और उस मतलब उस बैरिक के अंदर काफी पुराने कदीम दस्त भी हैं, शायद आपने जब आप एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपने देखा हो कि पुराने पुराने दरख्त भी स्टार्ट स्टार्ट गेट से ही लगे हुए, तो वो वहाँ बैरिक के अंदर तक वहां पे होते थे, सही। वहां थे वो। तो और जो वो जो बैरिक्स हैं, उस बैरिक्स में एक पीछे आई थिंक अबेंडेंट स्कूल था, एक टूटी फूटी इमारत थी। तो वहां पे कभी दिन में वाले साहब जो है वो वहां जाके अपने कभी दोस्तों के साथ गैदरिंग कर लिया करते थे वीकेंड्स पे। तो वो पीछे की ऐसी गली थी, वो जो थी गली वो उस मतलब हमारे उस बैक डोर से अटैच थी, वो बैक डोर हमारा उस गली में ही खुलता था, तो वहां पे अमूमन ये प्रेजेंस होती है, ये चीजें होती थी एक्टिविटीज। अच्छा। और सेकंड की तरफ चले, जी मैं बोल रहा हूँ, मैं सेकंड स्टार्ट करते हैं, जो दूसरा वाक्य है नहीं, वो है हमारा। अब टाइम नहीं है असल में। ओके ओके कल। ओके ओके थैंक ओके 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 यू। थैंक यू मार्च। ओके थैंक ओके यू। ओके थैंक यू अच्छा थैंक यू। जी, तो चैट की तरफ बढ़ते हैं। चैट आज बिल्कुल इग्नोर रही, सॉरी। चैट चैट पे क्या हो रहा है भैया? जॉन, सुम्बुल, सोनी, टेक्नोलॉजी, गुलनाज, जैन, नसीर, शाह, इरफान, ताहा, रहमान,
मोहम्मद नासिर, सोएब भाई आज, सोएब भाई आज आप हमारे स्ट्रीम पे, सोएब भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं यार, सोएब भाई अभी बीच चलो मिनाज भाई, सोएब भाई आप एक नौटी आदमी हैं, सही है, लेकिन बीच का प्लान जरूरी है, सोएब भाई के साथ बीच जाना जरूरी है, सोएब भाई प्लान बनाए यार, बहुत टाइम हो गया। नासिर, तुबा खान, डिंग डोंग, हीरा मीर, फिजा, आयशा, ए के अहमद, आज हमारे जो हैं सारे मॉडरेटर्स, आज बहुत बहुत थैंक्स अलॉट मॉडरेटर्स, तुबा, फिजान, हमाद, सब ने जो है अपना बखूबी काम किया, थैंक्स अलॉट। हमजा अनीफ, हेलो 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 हेलो। मोहम्मद तला, किसको गालियां दे रहे हो? मुझे गालियां दे रहे हो? अबे ये छोटी सी गाली, ये गाली भी नहीं है बेटा, ये तो उर्दू की लुगत में आ गई है, ये तो तुम्हारा नाम भी हो सकता है, पता है आने वाले सालों में, मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारा नाम भी हो सकता है, लुगत में है ये अल्फाज, तो अब तो ये किसी दिन तुम्हारे अम्मा अब्बा कहें कि हम तुम्हारा नाम चेंज करके ये रख रहे हैं क्योंकि ये लुगत में है, समझे? तुम गाली दो तो कोई गाली दो ना, गाली होनी चाहिए इसमें वजन हो, ऐसी क्या ये वाली गाली दे दी बस, ये तो तुम्हारे दादा भी तुम्हारे अब्बा को देते होंगे, तुम्हारे अब्बा तुम्हें देते होंगे, ये तो गाली नहीं हुई ना है। अच्छा जी, गुलनास परी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। निदा, अवैस नईम, थैंक यू। अस्करी बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक जेडी, ओके जेडी, जेडी, अच्छा खैर। नाजबी, आई विल ऑल्सो शेयर माई चाइल्डहुड इंसिडेंट विद मी विच हैपेंड इन दुबई, ओके सना तारिक, बिल्कुल। आप सबका, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी ईमेल्स भेजते रहिएगा, कल जो हम स्ट्रीम करेंगे, ऑब्वियसली आज सना हमारे साथ स्ट्रीम पे थी तो ऑब्वियसली मैं उनके साथ ज़्यादा बातें हो रही थी जिसकी वजह से ईमेल्स आज जो है ना ज़रा इग्नोर हुई, तो माजरत अगर आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा। कल जो है हम सारी ईमेल्स भी पढ़ेंगे और सारे कॉलर्स के साथ भी बातें करेंगे। दूसरा ये कि कुछ लोगों ने मुझे अपनी हॉरर वाकयात रिकॉर्ड करके भेजे, लेकिन वही एक प्रॉब्लम जो मुझे ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स में नज़र आती है, सुनाई देती है, कि लोग रिकॉर्ड करने से पहले दो चार चीज़ों का जो मैं कहता हूँ ख्याल रखें, वही चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, पंखा बंद कर दें, क्योंकि पंखे की आवाज़ आप लोगों को रियलाइज़ नहीं होती कि सबसे ज़्यादा पंखे की आवाज़ अनोइंग होती है माइक पे, चाहे वो मोबाइल का माइक हो, चाहे वो आपका हैंड्स फ्री का माइक हो, चाहे ये वाला माइक हो, कोई भी हो, तो जब आवाज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें अगर पंखा चल रहा होगा तो आपकी आवाज़ 50% माइनस हो जाती है, डिस्टर्बेंस डिस्टॉर्शन बहुत आती है, तो आप, और दूसरा ये है कि पीछे बच्चे भाग रहे हैं, पकौड़े बन रहे हैं, बाइक इधर से उधर जा रही है, तो उस केस में भी मैं उन आवाज़ों को तो नहीं माइनस कर सकता ना जो पीछे से आवाज़ आ रही हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोशिश करें कि जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके इर्द गिर्द खामोशी हो, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात कर रहे हो और बात करते करते, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसी जगह पे रहते हैं जिनका घर मेन रोड पे होता है, तो वो बार बार मोटरसाइकिल गुजरती है तो उसकी आवाज़ आती है, तो अगर ऐसा हो कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो मोटरसाइकिल गुजर जाए तो एक सेकंड के लिए रुक जाएं, वो मोटरसाइकिल गुजर जाए फिर उस वाक्य को दोबारा से उसी जगह से शुरू करें, तो वो चीज़ मैं एडिट कर सकता हूँ, और पंखे को ज़रूर बंद रखें, सही है? ये दो चार चीज़ें हर हॉरर टेप की डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने मेंशन किया होता कि ये चीज़ आप लोग कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। खैर, स्ट्रीम तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, 4 मिनट रह चुके हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारी स्ट्रीम आप लोगों ने पसंद की, जिन जिन लोगों ने हमें सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स भेजे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर किसी एक दो का नाम मिस आउट हो गया तो माजरत। जिन लोगों ने इजी पैसा और जैस कैश पे हमें सपोर्ट शो किया उनका नाम भी शामिल कर लेते हैं। एज यूजल जो जैस कैश पे मेरे पास सपोर्ट आई है उसमें किसी का नाम नहीं है, मोबाइल नंबर्स आ रहे हैं,
तो जिन्होंने भी जैस कैश पे किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने इजी पैसा पे किया उनका नाम आया हुआ है हुज़ैफ़ा अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इसी तरीके से अगर आप लोग हमारी स्ट्रीम को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस चैनल को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं तो आप लोग अपनी ये सपोर्ट हमें कर सकते हैं हमारे ये इजी पैसा और जैस कैश के नंबर पे 03111577846। इसके अलावा अगर जो लोग पाकिस्तान से बाहर हमारा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं वो जो हैं हमें सुपर चैट और सुपर स्टिकर के ज़रिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो, आज का ये शो पसंद आया हो, क्योंकि थोड़ा सा हटके था, थोड़ा सा डिफरेंट था, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपने आज पहली दफ़ा हमारा शो सुना, हमारा चैनल देखा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से 12:15 बजे सेम चैनल सेम टाइम। जाते जाते जो मैंने आज एक गलती की शो पे, जिस पे मैं काफ़ी सालों से लोगों को बोल रहा हूँ कि ना करें, आज मैंने भी वही गलती की कि थोड़ा बहुत मजाक बना दिया मैंने, शायद जज्बात में बह के, या होता है ना कि जब आपके स्टूडियो में कोई एक और शख्स भी आपके साथ हो तो आप ऑटोमेटिकली वो उस जोन से आउट हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जब मैं हॉरर शो करता हूँ तो मैं अकेला होता हूँ और शो शुरू होने से पहले 1 घंटे पहले मैं अपने आप को लॉक कर लेता हूँ, इसी वजह से कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन और मेरा सारा फोकस हॉरर जॉनर पर है। लेकिन ऑब्वियसली आज सना बराबर में बैठी हुई थी तो वो थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी कीड़ा हो रहा था हंसी मजाक करने का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने एक फेसबुक पे स्टेटस डाला। अच्छा एक चीज़ है, फेसबुक की ऑडियंस अलग है, यूट्यूब की ऑडियंस अलग है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस अलग है और ट्विटर की ऑडियंस अलग है। ये चार प्लेटफॉर्म्स मैं यूज़ करता हूँ और इन चारों की ऑडियंस बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो बात आज मैंने बोली, मैंने एक मेरे दिमाग में एक बात थी जो मैंने सोचा मैं बता दूँ, वो मैंने फेसबुक पर भी डाली, यूट्यूब पर भी डाली, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे नहीं डाली, इन दो प्लेटफॉर्म पे डाली थी कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक कयामत का मंजर है। लिटरली 3-3 लाख 4-4 लाख केसेस रोज के आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, जो उनका हाल हुआ है कि कुछ हॉस्पिटल्स तो ये बोलने पे मजबूर हो गए कि हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, लोग रोडों पर पड़े हुए हैं, स्ट्रेचर्स जो है फुटपाथ पे पड़ी हुई, मतलब देख के रूह कांप रही है। तो इस टाइम पे मुझे ये लगा कि हम एज अ पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम दुआ दे सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइन है जो बस हमारे इर्द गिर्द खींच दी गई है। उस लाइन से उस पार जाएंगे तो ईरान आ जाएगा, इस पार जाएंगे तो अफगानिस्तान आ जाएगा, उस पार चले जाएंगे तो चाइना आ जाएगा, उस पार चले जाएंगे तो हिंदुस्तान आ जाएगा। ये अगर लाइनें ना होती तो ये सब एक ही इलाके होते, ये नाम भी नहीं होते, शायद हम सब एक साथ ही रह रहे होते, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे। तो मैंने स्टेटस लिखा कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, जो कि हम हैं, और हमारे खान साहब का आपको पता ही है कि वो इस जो इंसानी खिदमात के लिए बहुत दिल रखते हैं। तो आज एक पाकिस्तान में ट्रेंड नंबर 1 चल रहा था कि इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, और ये पाकिस्तान में चल रहा था, इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में चल रहा था ट्रेंड। तो मैंने भी सोचा कि यार अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग दुआ भी दें, और साथ में अगर उनको, चलो हम एक 22-23 करोड़ की आवाम है, वो 2 अरब की आवाम है, हम उनकी ज़रूरियात
100% पूरी नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम थोड़ी सी कोशिश तो कर सकते हैं ना किसी की जान बचाने के लिए, एक भले एक बंदे की। तो ये मैंने स्टेटस लिख दिया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर हो सके तो मदद कर दें। उस पर मुझे इतना अफसोस हुआ, ट्विटर पे एक मैं बता रहा हूँ ना, ट्विटर की ऑडियंस अलग है, ट्विटर पे सब ने उसकी तारीफ की सब, क्योंकि ट्विटर पे यही ट्रेंड चल रहा था कि लोगों की के दुआ कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह मियां जैसे भी हैं जो भी है हमारे जितने भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो जगह एक कयामत का मंजर पेश करे। फेसबुक पे बिल्कुल ऑपोजिट, फेसबुक पे एक अजीब बहस शुरू हो गई कि अच्छा हो रहा है उनके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि कश्मीर में उन्होंने ऐसा किया। यार कश्मीर के इशू को आप इस इशू से कैसे मिला सकते हैं? अब फिर एक साहब आए कि तुम उस वक्त कहाँ थे जब कश्मीर में इशू हो रहा था, उस वक्त क्यों नहीं बोले? मतलब मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि अगर आप किसी एक जान बचाने के लिए बोल रहे हैं तो आपको ये बोलना जरूरी है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले वाले उस बंदे की जान क्यों नहीं बचाई, इसको भी मरने दो। इंसानियत मर गई है क्या यार? रमजान चल रहे हैं, भूल जाते हैं आप लोग। और ये कौन कौन होते हैं आप लोग मुझसे पूछने वाले कि कश्मीर के लिए मैं क्या सोचता हूं? आप कौन है? कमरे में बैठ के कीबोर्ड जिहादी बन के सिर्फ मैसेजेस करने से आप कोई हेल्प आउट नहीं कर रहे किसी सोल्यूशन का। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इंडिया हमसे 2-2.5 घंटे दूर है। जब लास्ट टाइम इंडिया में केसेस बढ़े थे उसके 1 महीने के बाद पाकिस्तान में केसेस बढ़े थे, जो अभी वहां पे हालत है ना, आज आपकी गवर्नमेंट ने ही बोल दिया ना कि अगर हमने SOPs फॉलो नहीं किए तो जो इंडिया का हाल है वो 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में वो हाल हो जाएगा। और आज ही इस्लामाबाद का जो पिम्स हॉस्पिटल है उसने अलर्ट जारी कर दिया कि उनके बेड्स फुल हो चुके हैं। तो क्या हम दुश्मनी में दुश्मन जैसे हो जाएं? इंसानियत मर गई है क्या? बिल्कुल ही हैवान हो गए। अभी भी हम पॉलिटिक्स खेलें, अभी भी हम ये बोलना शुरू कर दें क्योंकि उन्होंने ये किया था तो हम ये करेंगे तो हम वो करेंगे। आई एम सॉरी, ना मेरा दीन ये मुझे सिखाता है, ना मेरे वालिदैन ने, ना मेरी सोसाइटी ने, ना मेरे मुल्क ने ऐसा कभी किया। एडी फाउंडेशन, उसने आज मोदी को लेटर लिखा है कि आप इजाजत दें तो हम आके आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब लोग पीछे पड़ जाएंगे एडी के? इंसानियत ही नहीं रही है यार, लोग मर रहे हैं लेकिन नहीं, दुश्मनी में हम आगे बढ़ जाए बस। खैर, तो जो यंग यूथ है हमारी, प्लीज प्लीज इतना पोल्यूटेड ना हो कि आप अपने दुश्मन जैसे ना बन जाएं। बस दुश्मन को दुश्मनी से नहीं मारे, अपनी अच्छाई से मारे। सबके लिए दुआ है, जो भी चाहे वो इंडिया हो, चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, XYZ कोई सा भी हो, कोई सा भी मुल्क हो यार, ये पाकिस्तान में भी मसला आ सकता है। अभी ना ये दुश्मनियां और रिग्रेट्स और ये पुराने वाकयात निकालने की जरूरत नहीं है। अभी एक ऐसी बीमारी से, एक ऐसी वबा से पूरी दुनिया एक साथ गुजर रही है, तो इंसानियत आके रखिए, अब सबका ख्याल रखिए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मास्क पहने, हाथ धोएं, एक दूसरे से गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, थोड़े अरसे ना करें यार, थोड़े अरसे ना करें, अपने लिए नहीं तो सही, अपने वालिदैन के लिए ही सोच लें, कहीं आपकी वजह से आपके वालिदैन को ये बीमारी ना लग जाए, फिर उस गिल्ड के साथ आप जिंदा रह पाएंगे। अगर रह पाएंगे तो आप चिपके लोगों से, लेकिन अगर आप नहीं रह पाए और आपकी वजह से आपके वालिदैन को कोई नुकसान पहुंचा तो फिर सोचें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट।
दुआ दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग आवर स्ट्रीम टुडे।